आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवी और संजनो, जनवरी मंथ की हमारी ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले टोटल 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। द मोमेंट ये वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है आप लोग टेलीग्राम चैनल से हाईलाइटेड PDF भी एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस एंड टेक, कल्चर और जो ये गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक होता है। पिछली वीडियो में ना जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो यहाँ से कुछ टॉपिक्स रह गए थे। ये रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया था बट कुछ ना स्पेस का इशू हुआ डिवाइस में और iPad ने ना वो डिटेक्ट नहीं की टॉपिक्स, कुछ होता है इसमें बड़ा अजीब सा सिस्टम। तो मैं ये वाले टॉपिक जो रिमेनिंग थे ना कुछ और सोशल इशूज़ के, पहले ये मैं कर देता हूँ वहीं से एग्जैक्टली कंटिन्यू और उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स। एंड साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो लोग PT 365 के लिए बात कर रहे थे तो PT 365 का यूट्यूब पर तो कुछ भी नहीं आएगा, बट येस हम लोग इसको जूम लाइब्रेरी पर ज़रूर कवर करेंगे। तो आप लोग जूम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी है। तो हम लोग कैसे कवरिंग करेंगे PT 365 को? हम लोग ना अराउंड एक मैगजीन को कुछ 2 या फिर 3 दिन मैक्सिमम में रोज़ 2 से 3 घंटा बैठ करके ख़त्म करेंगे। तो वी विल बी सेटिंग टाइम, ये हम लोगों ने पहले भी ऐसे ही कवर किए हैं, पहले मंथली मैगजीन भी कवर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो दिस इज़ हाउ वी स्टडी इन जूम लाइब्रेरी, हम लोग टाइम सेट करते हैं ये वाला टॉपिक 15 मिनट में, तो सब लोगों का टाइमर सेट होता है, सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं जूम पे, और ये 20 मिनट में, ये आधे घंटे में, इतना 15 मिनट में, तो साथ साथ चलता रहता है। तो क्या होता है कि आपको एक टाइम बाउंड मैनर में एक डायरेक्शन मिल जाती है उसको कंप्लीट करने की। रिमेंबर दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप कोई पेड लेक्चर परचेज़ करो या फिर कोचिंग क्लासेस लो, मैराथन वीडियोज़ देखो। अभी आपका ना ब्रेन ना सेटिस्फाई हो जाएगा इस बात से कि मैंने टॉपिक ना कवर कर लिया एंड टू एंड, बट एक्चुअल में वो रजिस्टर नहीं होगा। वो रजिस्टर तभी होगा इस टाइम पर जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी एनीवे हमेशा ही करनी होती है, बट लोग ना इस टाइम पर क्या करते हैं, हाँ ये भी रिपीट कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जल्दी जल्दी ना बड़े बड़े लेक्चर्स को फास्ट स्पीड में देख करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट दिस मोमेंट। ये वो टाइम है जब आप खुद बैठ करके उस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि ये पॉइंट्स रह गए थे, ये कुछ नया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर फोकस ऑन द सेल्फ स्टडी, वही चीज़ हम लोग PT 365 की अभी करने वाले हैं जूम लाइब्रेरी पर। चलो अभी पेंडिंग टॉपिक एक बार कंप्लीट करते हैं फिर साइंस एंड टेक स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 5.7 जिसमें न्यूज़ इन शॉर्ट है हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन का। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है ऑन द ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर द क्लाइमेट एक्शन, WTO की ये रिपोर्ट है। तो इसमें कुछ पॉलिसी एरियाज है जहाँ गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, ना ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार जो हो गया ना, कॉमर्स व्यापार वाली चीज़ें हो गया। तो उसमें आप ट्रेड में आपको क्या करना होता है, कस्टम्स क्लियरेंस चाहिए होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने होते हैं, रेगुलेशन सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कुछ स्टैंडर्ड्स का, टैरिफ वगैरह के ऊपर काम करना पड़ता है ना, सब्सिडीज़ एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसके लिए, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स यूज होते हैं ना हमारे प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के लिए, तो कुछ डिजीज़ तो कैरी नहीं कर रहे हैं वो। देन वी हैव इंटरनल टैक्सेशन एंड कार्बन प्राइसिंग। क्लाइमेट का ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब भी आप व्यापार करते हो एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो उसका क्लाइमेट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता भी है नहीं पड़ता है? तो जनरली जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं ना, खरीद बेच करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ना, पूरे प्रोसेस में जितना भी हमारे वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है वो 20-30% इंटरनेशनल ट्रेड से आता है ना। दिस इज़ अ गुड आर्ग्यूमेंट ना, इट्स अ डेटा, इट्स अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगह पर, है ना। तो इस हिसाब से इस टॉपिक से वाली चीज़ नोट कर सकते हो आप। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA मेंस में आपके एक बार आ चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्या करती है ना कि भाई आपको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो आप क्या करते हो, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसका असेसमेंट करते हो। गवर्नमेंट है ना उसका स्टेप कर रखे हैं, पहले स्क्रीनिंग करेंगे है ना, और फिर उसकी स्कोपिंग करेंगे, देन पब्लिक से कंसल्ट करेंगे, फिर अप्रेजल वगैरह पे काम होगा। तो ये कुछ स्टेप्स में गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो ये अभी लास्ट 2021 में उन्होंने मिनिस्ट्री ने कुछ
चेंजेस किए थे इसके अंदर। 2017 में गवर्नमेंट ने एक 6 महीने की विंडो के ऊपर काम किया था। तो पहले जो एक क्लियरेंस था ना, ये एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया था। फिर गवर्नमेंट ने इसमें 2020 में भी काम किया था, ठीक है। अभी टॉपिक न्यूज़ में क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टेज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ऑफिस मेमोरेंडम ऑन द एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस। हुआ ये है ना कि उन्होंने स्टे लगा दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे किसी प्रोजेक्ट वगैरह में, बाद के गवर्नमेंट ने कहा कि भाई प्रोसेस को फॉलो करो आप, ठीक है, इसको बाद में नहीं करना है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के बारे में काम ना किया जाए, टाइम से किया जाए, ठीक है। तो आप बिना किसी क्लियरेंस के एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे हो, इससे पहले आप क्या करते थे कि पहले क्लियरेंस लेते थे फिर आप प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते थे। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इसमें स्टेप लगा दिया। देन वी हैव टॉपिक नंबर 5.7.3, मेगालोसॉरस। 2024 में 200 साल हो जाएंगे पहला जो डायनासोर था इसकी नेमिंग की गई थी उसको, इसका मतलब होता है द ग्रेट लिजर्ड। ओके, तो ये कार्निवोरस डायनासोर है। कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश कंज्यूम करता है, है ना। ऑक्सफोर्ड शहर जो इंग्लैंड में जगह है वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। देन वी हैव LDG, लेटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, एक फंगी है उसके बारे में। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं ना बहुत सारे स्पीशीज़ के, तो LDG आपको जानना पड़ेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कहने का अर्थ ये है, अगर आप देखोगे ना, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। देन वी हैव दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, में कैसे लिखूँ यहाँ पे, चलो पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना। वी हैव दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेयर समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट वी हैव द कैप्रिकॉन। तो उन्होंने कहने की कोशिश की, अगर आप देखोगे ना, पोल्स जो रीजन है ना, पोलर, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, यहाँ पर ना स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी आपको। आपको इक्वेटर रीजन के अंदर ना डाइवर्सिटी बहुत देखें, डाइवर्सिटी मतलब उसमें कितनी विविधता है, बस ये इतना सा फंडामेंटल एक चीज़ है। तो रिसेंटली एक स्टडी में पता चला था इस चीज़ के बारे में। ग्रीन फ्यूल्स का अलायंस है, है ना। तो डेनमार्क ने अनाउंस किया इंडिया के साथ, ये पहले भी बात की गई थी, इंडिया और डेनमार्क ने एक इस चीज़ के ऊपर MOU साइन किया था। तो बेसिकली एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं। ग्रीन फ्यूल जो होते हैं वो, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन, बायोफ्यूल, है ना, या फिर बायोमास से बने हुए सोर्स भी बोलते हैं। 5 साल हो चुके हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का था, 2019 में आया था। भारत में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, ठीक है, तो एयर क्वालिटी जो है 131 सिटीज़ की, उसको इम्प्रूव करने के लिए बात की गई थी। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन पर काम किया गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी था इसमें, और बेस ईयर 2017 लिया है हम लोगों ने, है ना। टारगेट था कि जो 40% तक PM10 को रिड्यूस करना है, PM2.5 को, एंड प्राणा करके एक पोर्टल होता है जो इस पूरे के पूरे चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान, ये जनरली NCR के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और भारत स्टेज में हम लोगों ने 4 से जंप करके डायरेक्ट 6 पे चले गए थे, है ना। तो 4th से 6th पे गए थे हम लोग, हमने 5 को बीच में स्किप कर दिया था। फेम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई 2024 की, तो रिस्क परसेप्शन का एक सर्वे था, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कि रिस्क आप कितना ले सकते हो। इंडिया के टॉप 5 रिस्क कहाँ कहाँ पर है, हमारे पास कंट्री में प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की, इन्फेक्शियस डिजीज़ भारत में है, गैर कानूनी तरीके से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, और लोगों में असमानता है वेल्थ को लेकर, इनकम को लेकर। ग्लोबल लेवल पे शॉर्ट टर्म के रिस्क होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन के, वेदर के, सोसाइटल पोलराइजेशन का। लॉन्ग टर्म के होते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, है ना, अर्थ सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके मेंस का बहुत काम आएगा ना, मेंस के फैक्ट्स हैं कुछ, ये यूज़ कर सकते हो आप। ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट 2023 ने एक, उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर जो ओशन हीट का कंटेंट है वो डबल हो गया है 1980s के मुकाबले, ठीक है। ओशन हीट कंटेंट का मतलब होता है कि ओशन के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है, है ना। तो बस इसी तरीके से होता है, इतना ही काम होता है, इन चीज़ों की डेफिनेशन समझो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। जनरली ओशन 90% हीट कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ग्लोबल वार्मिंग से, अटलांटिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक वगैरह जो होते हैं, ये ज़्यादा फास्टर रेट पर वार्म हो रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक अच्छा फैक्ट है, इंटरेस्टिंग, 2023 में जो ओशन हीट कंटेंट है वो अराउंड 4.6 बिलियन हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इक्विवेलेंट पड़ता है, इतना हीट है उसमें। तो ये चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड वाली बात है। वी हैव दिस कॉन्जॉइंड सिल्वर लाइन,
एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है जो कर्नाटक के कोडागु में पाई गई है, पिछले 40 सालों से विलुप्त थी। हम्बोल्ट्स एनिग्मा, तो द पर्सन नेम इज़ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो माउंटेन रीजन्स हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स के मुकाबले में, लाइक माउंटेन्स हैव हायर देन द ट्रॉपिकल रीजन्स, व्हाट अबाउट व्हाट डाइवर्सिटी, किस चीज़ की डाइवर्सिटी, वही बायोडाइवर्सिटी वगैरह पे बात की जा रही है। हिमालयन वुल्फ, पहली बार एक आईयूसीएन का असेसमेंट हुआ था हिमालयन वुल्फ का, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन कर रही है। जनरली हिमालयन वुल्फ जो है वो हाई एल्टीट्यूड में नेपाल इंडिया में पाई जाती है, आईयूसीएन ने इसको वल्नरेबल का स्टेटस दिया हुआ है। तिब्बतन ब्राउन बेयर, भारत में पहली बार कन्फर्म किया गया था तिब्बतन ब्राउन बेयर देखा गया है सिक्किम के अंदर। जनरली ये नेपाल भूटान में पाया जाता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन में है। कुमकी एलिफेंट जो है, तमिलनाडु ने कुमकी एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया था, तो काफ़ी ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं ये, तो ये जनरली जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं ना उनको भगाने के काम आते हैं। वल्चर रेस्टोरेंट जो है, ये एक ऐसा अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है जहाँ पर वल्चर्स जो होते हैं आसानी से रह पाते हैं, तो रायगढ़ हो गया, गढ़चिरौली, नासिक हो गया, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वल्चर रेस्टोरेंट बनाए गए थे, तो झारखंड में भी सेटअप किया गया है और झारखंड के जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। एक मेडिसिन होती है डाइक्लोफेनेक, है ना, तो ये एक ड्रग की तरह काम करती है, ये जनरली यूज़ की जाती है जो कि काफ़ी टॉक्सिक होती है वल्चर्स के लिए, तो ये जानवर को दी जाती है, जानवर मतलब जैसे गाय भैंस को कभी होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो उसके लिए दी जाती है, लेकिन जब गाय भैंस मर जाते हैं तो डाइक्लोफेनेक के कुछ कंटेंट रह जाता है ना उसमें, वो फिर अगर उनका फ्लैश वगैरह ये वल्चर वगैरह खाते हैं ना, क्योंकि वल्चर क्या खाते हैं, डेड फ्लैश खाते हैं, तो वो उनकी बॉडी में जाते हैं और वल्चर की स्पीशीज़ जो होती है ख़त्म होती आ गई थी, तो डाइक्लोफेनेक को बैन भी किया गया था। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में ही आता है और वेटरनरी यूज़ के लिए डाइक्लोफेनेक को 2006 में बंद कर दिया गया था। 2023 में कीटोप्रोफेन और एसलोफेनेक, इनको भी बैन कर दिया गया था, ये तो हम लोगों ने न्यूज़ में कवर भी किया था जब ये आया था। तो भारत में ये वल्चर पाए जाते हैं, वाइट रम्प्ट वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, देन दिस इज़ रेड हेडेड, दिस इज़ बियर्डेड वल्चर, दिस इज़ सिनेरियस वल्चर, ग्रिफॉन वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन। इसमें जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाले हैं रेड वाले, इनके नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, नियर थ्रेटेंड का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्रिटिकल एंडेंजर्ड थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूरेशियन ऑटर, तो रिसेंटली केरला के अंदर जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर यूरेशियन ऑटर पाया गया था, ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, नियरली थ्रेटेंड है ये। एंड दिस इज़, चलो मैं आपको एक बार ऑटर के बारे में दिखा देता हूँ, ऑटर की इमेज कैसी होती है, हाउ डज द ऑटर लुक लाइक, थोड़ा इमेज से आइडिया लग जाएगा ना आपको। ओके सॉरी, इंटरनेट बंद था, जस्ट अ सेकेंड। ये होता है ऑटर, इस तरह का दिखता है ये, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ सिविट, हाउ डज इट लुक लाइक, थोड़ा इमेजेस देख करके ना याद रहता है, क्योंकि आए हैं एग्ज़ाम में सिविट तो आया हुआ है एक बार। ये जानवर होते हैं भाई, तो रिसेंटली दो नए मेमेलियन स्पीशीज़ थे, इनको असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ऐड किया गया था, तो बियर कैट भी बोलते हैं इसको, ये लार्जेस्ट सिविट है इंडिया का, और एक स्मॉल क्लोड ऑटर होता है। फिर आते हैं इन्वेजिव मॉस्किटो फिश स्पीशीज़ को लेकर के, तो ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, शॉर्ट में इसको हम लोग IS बोलते हैं, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बस शॉर्टकट निमोनिक्स आपको थोड़े आसान होते हैं। तो गंबूसिया एफिनिस और गंबूसिया होलब्रुकी, एक्चुअली ये नाम आ सकता है गंबूसिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिश को बोलते हैं गंबूसिया। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ वो होती हैं, वो दूसरी जगह पे जाती हैं, उनका ब्रीडिंग वगैरह इकोसिस्टम को ख़राब कर देती हैं, जिसके कारण 2019 में ऑलमोस्ट $423 बिलियन का नुकसान हुआ था इकॉनमी को। एंड IUCN के रेड लिस्ट के अंदर 10 में से एक स्पीशीज़ जो होती है वो किसी न किसी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के द्वारा थ्रेटेंड भी होती हैं। गंबूसिया जनरली US में पाई जाती है और इसको मॉस्किटो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुरिल आइलैंड्स में रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था जो कि 6.3 मैग्नीट्यूड का था रिएक्टर स्केल पर, है ना, तो रशिया का जो एरिया है कमचटका पेनिनसुला वहाँ से लेकर जापान का जो होकाइडो आइलैंड है वहाँ तक ये होता है, दिस इज़ दैट रीजन, है ना। ये जो रेड आप देख पा रहे हो ये डिस्प्यूटेड लैंड है। विलिंगडन आइलैंड, तो रिसेंटली इसको रिवाइव करने की बात की जा रही थी, ये कोच्चि के पास लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड है, 1933 में बनाया गया था, उस समय जो लॉर्ड विलिंगडन थे ब्रिटिश के वायसरॉय उनके द्वारा। डीप सी
कोरल रीफ। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली मैपिंग की थी यूएस के अटलांटिक कोस्ट पर। कोरल्स क्या होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट मतलब विदाउट बैकबोन, दे डू नॉट हैव अ बैकबोन। वर्टिब्रेट मतलब दोज हु हैव अ बैकबोन। तो भारत के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है ना, महाराष्ट्र का मालवन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के काम आते हैं। एक होता है डीप सी कोरल, एक होता है शैलो वाटर। शैलो मतलब जो गहरा नहीं होता, डीप मतलब जो गहरा पानी हो गया। तो डीप वाले जो ना वहाँ का जो सरफेस से जो ऑर्गेनिक मटेरियल जाता है समंदर के अंदर ऊपर से, उस पर डिपेंड करते हैं, छोटे छोटे प्लैंकटन्स होते हैं उन पर। लेकिन जो शैलो वाले होते हैं वो अल्गी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, है ना। तो डीप वाले वाइट मिलेंगे, शैलो वाले आपको ब्राउन और ग्रीन मिलेंगे, है ना। डीप वाले थोड़ा ट्री की फॉर्म ले लेते हैं, है ना, फैन शेप बन जाते हैं। जो शैलो वाले होते हैं वो थोड़े से रॉक लाइक पत्थर की तरह दिखते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे फोटोज़ एंड ऑल में, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल इन द ड्यूरिंग नियर द कोस्ट लाइन्स, और आपने फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखी होंगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो हमारा लाइसेंस रूल्स आए हैं, अब प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव किए गए थे रिसेंटली, है ना। तो 1983 के कुछ रूल्स भी थे जिसमें कि शेड्यूल वन के जो एनिमल्स हैं उनके लिए आपको ट्रेड करने का लाइसेंस नहीं मिलता था। एक्सेप्शनल केसेस में मिलेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अप्रूवल आपको दे देगी। नए जो 2024 के रूल्स हैं उसमें कहा था कि शेड्यूल वन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब कुछ कंडीशन में चेंज किया गया था कि ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीशीज़ के लिए, एक्सेप्ट आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो थोड़ा सा बदलाव किया गया, कुछ खास बदलाव नहीं किया गया। एक चीफ वार्डन ऑफिसर होंगे वहाँ पर। चार शेड्यूल जो हमारे 1972 के एक्ट के हैं वो इस तरीके से हैं, ये चारों आपको याद होने चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लेम्स। एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको मीन्स के स्पेसिफिकली टर्म्स में याद भी होना चाहिए पूरा। तो ऐसी जो स्पीशीज़ इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए जैसे ब्लैक बक, स्लॉथ बेयर, चीता, वो शेड्यूल वन में है। ऐसे एनिमल जिनको प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम चाहिए, है ना, वो शेड्यूल टू में है, जैसे नील गाय हो गया। कुछ प्लांट वाली चीज़ें होती हैं, नील कुरिंजी हो गया, पिचर प्लांट हो गया, टर्मेरिक हो गया, ये थर्ड शेड्यूल में। और फोर्थ में आते हैं वो चीज़ें जो हमारे साइट्स वगैरह में भी लिस्टेड होती हैं, रिवर डॉल्फिन, स्पाइडर मंकीज एट्सेट्रा। वेज बैंक इकोसिस्टम, तो ये एक एरिया है बेसिकली, आप देखोगे हमारा जो तमिलनाडु और जो ये केरला वाले जो कोस्टल रीजन्स है ना उसके पास में, उसमें कुछ ऐसे एरियाज एक्सप्लोर किए गए हैं फॉर हेल्प, है ना। तो वेज बैंक सिस्टम बेसिकली कहाँ पर है, जो तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी का रीजन है ना, वहाँ से कुछ आई थिंक कुछ 10,000 स्क्वेयर किलोमीटर का एक एरिया है, ये इतना कुछ एरिया पड़ता है। तो इस रीजन के अंदर आपको बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, है ना, वाटर पैटर्न्स मिल जाते हैं, वाटर करंट। रिसेंटली एक नमीबियन चीता जो था उसको कुनो नेशनल पार्क से रिलोकेट किया गया था, है ना, मतलब जो कुनो नेशनल पार्क में आया था उसने चार बच्चों को जन्म दिया है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, विंध्य हिमालयस के पास, यहाँ ड्राई डिसीडियस पेड़ पाए जाते हैं, कुनो नदी है, है ना, करदाई, सलाई, खैर के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, स्पॉटेड डियर, चोसिंगा, नील गाय, ब्लैक बक, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, उसको ढोल बोलते हैं, ये सब भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सोशल इश्यूज़ पर। इस बार हमारे पास तीन टॉपिक के सोशल इश्यूज़ में। सबसे पहला आता है सोशलिज्म, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समाजवाद। ऑप्शनल भी होता है, है ना, तो आसान होगा जिन लोगों के पास ऑप्शनल है उनके लिए। एक चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर जी, उनको रिसेंटली भारत रत्न दिया गया था, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे हम लोग। मुंगेरी लाल कमीशन जो था उसके रिकमेंडेशन को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन के लिए, है ना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर इन्होंने काम किया था, और 3% रिजर्वेशन महिलाओं को देना, है ना, ये सब चीज़ों पे जुडिशरी के अंदर इन सब पे काम बहुत किया था। 1978 में उन्होंने पंचायती राज इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए थे, और स्कूलों के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया था उसको अबॉलिश किया था ताकि जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो भी स्कूल में आगे बढ़ सके। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में उन्होंने हिंदी को मैंडेटरी भी किया था। वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड वालों के लिए उन्होंने स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी थी। एंड जो बिहार में 1970 में जो एक बैन लगाया गया था अल्कोहल पर भी उन्होंने बहुत काम किया था। तो उनका कंट्रीब्यूशन को हम लोग कनेक्ट करेंगे सोशलिज्म के साथ, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल अबाउट सोशलिज्म। जिनका ऑप्शनल है दे कैन स्किप द फर्दर पार्ट, वो नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर सकते हो, आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, आपको सब पता होगा यहाँ पर। जिनके पास सोशल वाला जो ऑप्शन नहीं है वो ज़रूर देखना इस टॉपिक को। आसान भाषा के अंदर यहाँ पर हम लोग एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं
जहाँ पर सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वालिटी होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। तो दो तरह के सोशलिज्म होते हैं, एक को हम जो क्रांतिकारी समाजवाद बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी, वो मार्क्सिज्म से बिलोंग से उसका ओरिजिन होता है। एक इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन मतलब जिसमें बदलाव किए जा रहे हैं, है ना, पॉलिसीज वगैरह के अंदर इसमें काम किया जाता है। तो रिवोल्यूशनरी के अंदर उन्होंने कहा था कि इट कैन बी ब्रॉट ओनली बाय वायलेंट रेवोल्यूशन, है ना, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और जो प्रोलेटेरिएट होता है उसकी डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये उस जमाने में जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ऐसे हालात थे, तो उस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ था। इवोल्यूशनरी के अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, है ना, वो कहते हैं कि सोशलिज्म की मदद से हमें सरकार की मदद भी करनी चाहिए पॉलिसीज़ बनाने में, है ना, और फिर इनको इम्प्लीमेंट करने में भी। तो भारत में और भी लोग रहे हैं सोशलिज्म से कनेक्टेड, आचार्य नारायण देव, जेपी नारायण, है ना, राम मनोहर लोहिया। तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में भारत में क्या कुछ योगदान रहा था इंडिपेंडेंस से पहले, एंटी कॉलोनियलिज्म का आइडिया, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस के आइडिया थे, वो यहीं से आए थे, है ना, और कोशिश की थी उन्होंने कि ऑर्गेनाइज वर्कर्स वगैरह को एक साथ लेके आने में, है ना, उनको इकट्ठा करने में, जो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं उनके साथ में, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, इन सबको नेशनलिस्ट मूवमेंट पर लाने की कोशिश की थी। इंडिपेंडेंस के बाद इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का जो आइडिया था वो समाजवाद के ही जो सिद्धांत है वहीं से आता है, है ना। लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत सारी मदद की गई थी, तो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जैसे स्टील, एनर्जी, हैवी इंडस्ट्रीज़ के जो कॉन्सेप्ट थे, है ना, इनके ऊपर किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इस पर डेवलपमेंट पे काम करेगी, जो हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान था महालनोबिस प्लान, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लाने के लिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर भूदान मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना, ज़मीन को बांट करके और सब में बराबर बांटने के लिए एक कॉन्सेप्ट चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। तो कंट्री की पॉलिसीज़ को भी इम्पैक्ट किया है सोशलिज्म ने बहुत हद तक, लैंड रिफॉर्म्स लाने में खास करके। आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी का मतलब हो गया प्रेजेंट डे में इसका क्या रेलेवेंस होता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना CSR के बारे में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी हमने वेल्थ गेन किए उसको हमें समाज में बांटना चाहिए, है ना। कॉरपोरेट्स के लिए एक नियम लाया गया ना भारत में कि भाई आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% आप समाज के वेलफेयर के लिए लगा दो। तो ये जो आइडियाज़ हैं ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब इनका ओरिजिन जो है वो सोशलिज्म में ही आता है, वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। टैक्सेशन पॉलिसी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होगा कि जो अमीर है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, गरीब से कम टैक्स लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव। कैपिटलिज्म के साथ थोड़े से आज की डेट में भी इसके इशू हैं। कैपिटलिज्म इज़ मोर अबाउट कि जिसके पास पैसा है प्राइवेट में है वो चीज़ों को रन करेगा। सोशलिज्म थोड़ा सा इसके अलग बात करता है, इससे थोड़ी अलग कहता है कि सबके पास बराबर चीज़ें होनी चाहिए, सारे रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए। सोशल जस्टिस इम्पेरेटिव अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की डेट में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, और लोगों को सारी जो समान सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पा रही होती हैं, तो उसमें हम लोग राज्य की जो नीतियां हैं वहाँ पर कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम में चैलेंजेस क्या हैं, 1990s में LPG जो रिफॉर्म्स वगैरह आए थे ना, तो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, यानी कि थोड़ा सा हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ चले गए हैं, डिमांड सप्लाई के ऊपर ज़्यादा चले गए हैं। बट सोशलिज्म ऐसी बात नहीं करता, सोशलिज्म कहता है कि डिमांड है सप्लाई नहीं, सबको चीज़ें बराबर मिलनी चाहिए। तो बहुत हद तक इंडियन इकोनॉमी को हमने जब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी तो ये जो कॉन्सेप्ट थे सोशलिज्म के थोड़े से अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। एंड देन ऐसा भी देखा था बहुत सारी चीज़ें जो थी उसमें, जैसे लाइसेंस, कोटा, परमिट राज वगैरह जो थे, है ना, इन सब के कारण जो हमारे प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वगैरह थे उनकी परफॉर्मेंस पर बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था। तो LPG रिफॉर्म एरा के टाइम पर हमारी जो ग्रोथ रेट थी, है ना, तो अराउंड 4% के आसपास ही, उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, LPG से पहले वाली को जो थी, तो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट रहा था। देन वी हैव दिस पॉलिटिकल इकोसिस्टम में बात करते हैं तो कुछ रीजनल पार्टीज़ काफ़ी मजबूती से निकल के आती हैं, है ना, और इलेक्टोरल गेंस के लिए अपने सिद्धांतों पर काम, कुछ सिद्धांतों पर काम करती हैं, कुछ सिद्धांतों से परे जाके भी काम कर लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारा जो ये समाजवाद का जो नारा है, समाजवाद की जो हमारी आइडियोलॉजी है, काम तो शायद नहीं करेगी लंबे समय तक। तो दे ट्राई टू शिफ्ट, है ना, दे ट्राई टू मेक चेंजेस विच आर रेलिवेंट फॉर देयर ओन गेंस। आगे क्या करें हम, वे फॉरवर्ड में क्या करें, और क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। मार्केट के साथ सोशलिज्म को बैलेंस कर लो, वी डू नॉट हैव टू गो एक्सट्रीमली ऑन वन साइड कि सिर्फ सोशलिज्म ही हो या फिर सिर्फ कैपिटलिज्म ही हो, है ना, मार्केट ड्रिवन अप्रोच भी, दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। CSR भी है, है ना, ESG भी है। तो ESG इज़ मोर अबाउट एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे काम करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना,
ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, रेड टेप मतलब जो रुकावटी डालते हैं ना ब्यूरोक्रेटिक, टू मच ऑफ फॉलोइंग द रूल्स, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, उसको भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। तो सोशलिज्म का एक रूट डेमोक्रेटिक भी होता है। डेमोक्रेटिक मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, कि समाज ही निर्धारित करेगा किसको कब कैसे क्या बनना चाहिए, तो सब लोग वोट करके डिसाइड करें, कोई एक राजा बन के ना बैठ जाए, है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नेंस के लिए, एफिशिएंस गवर्नेंस के लिए, सिटीजनशिप के, सिटीजन्स के एंगेजमेंट के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। तो इट्स अ ब्यूटिफुल मेंस टॉपिक, यू विल फाइंड दिस टॉपिक रेलिवेंट फॉर योर GS 1। और देखो जो ऑप्शनल वाले हैं उनको तो एनीवे पता ही है। टॉपिक नंबर 6.2 विल टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि का मतलब यहाँ से हम कोशिश करेंगे ट्राइबल की तरफ जाने की। ऑलराइट, तो पार्लियामेंट का एक पैनल है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पर, उन्होंने कहा था कि ये जो स्कीम है ना इसको बहुत धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये स्कीम 2021-26 के लिए है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सभी स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ऐसे गांव हैं कुछ 36,000 के आसपास गांव हैं जहां पर ट्राइबल लोग हैं 500 से ज़्यादा, है ना, तो उनको थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जाए। ऑलराइट, तो विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए हैं उनके लिए, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, और भी बहुत सारी स्कीम्स थी उनको कन्वर्ज किया गया था इसी के साथ में। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज आ रहे हैं क्योंकि फंड्स जो हैं उनमें एलोकेशन नहीं हो पा रहे पिछले 2 सालों के अंदर, है ना, लेस देन 40% को ही अप्रूवल मिला है। और टाइम लिमिट एक बड़ा फिक्स सा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। विलेज डेवलपमेंट प्लान्स में सिर्फ 24% ऐसे गांव आइडेंटिफाई किए गए थे, है ना, अप्रेजल कमेटी के द्वारा। फिर इम्प्लीमेंटेशन में और भी कम समय लग रहा था क्योंकि अभी तक इम्प्लीमेंट करने की गाइडलाइन प्रॉपरली आई ही नहीं है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो मिनिस्ट्री ने ही गाइडलाइन प्रॉपरली टाइम से नहीं दिया। डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास PVTGs को लेकर के, पिछले कई स्टेट्स में भी PVTG 75 की बात की थी हम लोगों ने, प्रीलिम्स में आ चुका है, पहले भी टॉपिक कवर किया था पिछले वीडियो में भी। अब करें क्या, तो एक स्टैंडर्ड बना दो VDP का, विलेज डेवलपमेंट प्लान का, ताकि डिले ना हो, है ना। क्राइटेरिया होना चाहिए कौन से गांव को सेलेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर लेस देन 50% की जो हमने बात की थी उसको सेंसिबली इम्प्लीमेंट किया जाए। सपोर्ट सिस्टम्स बनाए जाने चाहिए ताकि पता चल जाए कि भाई कौन से लेवल पर क्या काम हो रहा है, है ना। डेटाबेस की प्रॉब्लम थी तो डेटाबेस क्रिएट किया जाए, रजिस्ट्री बनाई जाए खास करके PVTGs को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ये सारी की सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को आगे बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का यूज़ कर सकते हैं इसमें, और भी चीज़ लिख सकते हैं आप, है ना। वी कैन गेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वी कैन गेट NGOs, वी कैन गेट द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो CSR की मदद ले सकते हैं वो, हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी आ रहा है, बट CSR इज़ ऑल्सो वन थिंग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ईजी सिंपल टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो 6.3 न्यूज़ इन शॉर्ट, जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि हिंसा करी जा रही है बेस्ड ऑन जेंडर, लिंग के आधार पर। तो रिसेंटली एक वर्कशॉप क्रिएट की गई थी कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जेंडर बेस्ड वायलेंस को हैंडल कर सकते हैं। तो क्योंकि देश में बहुत सारी चीज़ देखी गई थी, चाइल्ड मैरिज को देखते हैं हम लोग, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में हम लोग बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की थीम जो 9 है वो वुमेन फ्रेंडली विलेजेस के बारे में बात करती है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा, देखो नाउ दिस थिंग कम्स ना कि रोल ऑफ PRIs इन एंट्रेंसिंग, ये मेंस का क्वेश्चन बन जाता है आपका, ऐसे बन के आ जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट, हो सकता है ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि महिलाओं के ऊपर एक सवाल हर बार आता है मेंस में आपका, हर बार आएगा, हर बार, चाहे GS 1 में आए, चाहे GS 2 में आए, चाहे 3 में आए, वन क्वेश्चन यू विल फाइंड, चाहे वो ऐसे में दे देंगे, कहीं पर नहीं देंगे, तो एथिक्स का एक क्वेश्चन जो होगा वो स्पेसिफिकली फीमेल्स को लेकर के होगा, वुमेन को लेकर के। तो ये टॉपिक एक ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, है ना, कि जो भी कुछ इनजस्टिस हो रहा होता है उस सबको हैंडल करने के लिए, तो यू नीड टू कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को जेंडर बेस्ड प्लान के साथ मिला सकते हैं, है ना, लिटरेसी पे काम कर सकते हैं, महिला सभा ऑर्गेनाइज़ करी जा सकती है, उनकी कौशलता को बढ़ा सकते हैं, उनकी रोज़गार की उनकी लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं। LTP लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, जो खासकर जो महिलाएँ जिनका इलेक्शन हो जाता है ना पंचायत में, और जो सरपंच बन जाए या फिर पंच बन जाए, सेफ्टी ऑडिट किए जा सकते हैं, है ना, कन्वर्जेंस हो सकती है सिविल सोसाइटी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, सबको मिला के जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो मल्टीपल स्टेप्स कैन बी टेकन। एक अलायंस है ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के लिए, तो इंडिया ने अनाउंस किया था ये, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड में दाओस में, वहाँ पर।
तो G20 के जो लीडर्स थे उन्होंने बात की थी कि कैसे हम लोग वुमेन लेड डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है इसमें। प्रेरणा एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उन्होंने लॉन्च किया था, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे 9th, 10th, 11th, 12th के, है ना। और एक वर्नाकुलर स्कूल जो कि वादनगर के अंदर है वहाँ से रन किया जाएगा। IIT गांधीनगर ने कुछ थीम्स पर इसको डिज़ाइन किया था। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उस स्पिरिट पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डी नोटिफाइड नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बात की थी कि जो इदाते कमीशन की रिपोर्ट थी ना उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये कमीशन आया था नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स का 2014 में। भिक्खू रामजी इदाते जो थे उनके अंडर भी था ये जो कमिटीज़ थी। इनको पहले ना क्रिमिनल्स बोला जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर। तो और वो इनको क्रिमिनल्स इसलिए बोलते थे, उनको लगता था कि जब इनको टैग कर देंगे तो मतलब वो उस टाइम पे ना बहुत बुरी हालत थी। उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्राइब को क्रिमिनल का टैग दे दिया था कि ये ट्राइब में है, ये सारे क्रिमिनल ही होंगे। तो इनके साथ बहुत सारा इंजस्टिस हुआ था उस टाइम पर, है ना। इनको बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटा दिया जाता था, इनके हैबिटेशंस को नुकसान पहुंचा था। इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में सबसे पहले इसको हटाया और गवर्नमेंट ने कहा कि ये क्रिमिनल्स नहीं है, ये बस डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसी सेंट्रल लिस्ट नहीं है कि वहाँ पर हम इनको एक सेपरेट ग्रुप की तरह आइडेंटिफाई कर सके अपने संविधान के अंदर, है ना। मोस्टली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में इनका नाम नहीं होता है। तो हमारे पास एक डेवलपमेंट और वेलफेयर बोर्ड है, 2021 में बनाया था हम लोगों ने। एंड वी हैव द सीड, द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। इदाते कमीशन के रिकमेंडेशन क्या थे, दिस इज़ फॉर योर मेंस, क्योंकि ट्राइबल वाला टॉपिक मेंस में आता है ना। उन्होंने कहा था परमानेंट कमीशन बना दो इनके लिए, है ना, और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बता दो, है ना। इनका सर्वे करो उनकी फैमिलीज का, पॉपुलेशन का आइडिया लगाया जाए पहले, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिलवा सकते हैं उनको, है ना। एक तीसरा शेड्यूल ऐड कर सकते हैं हमारा जो एट्रोसिटीज़ वाला एक्ट है वहाँ पर। और तो एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर DNTs ऐड हो सकते हैं। तो ये सजेशंस थे, अब देखते हैं गवर्नमेंट इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फोर्स कर रहा है कि भाई इस इदाते कमीशन के रिकमेंडेशन पे काम किया जाए। यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। एंड आई वुड रिकमेंड ईच वन ऑफ कि आप लोग, तीन वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, नॉर्मल वाली हाईलाइट की PDF चाहिए डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एनोटेशंस वाली जहाँ पर मैंने ये पेन से सब कुछ लिखा है ये वाली चाहिए, तो पहले टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, फ्रॉम देयर यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये डायरेक्टली भी ले सकते हो। ये मैं ग्रुप पर पोस्ट नहीं करूँगा वरना लोग कन्फ्यूज जाएंगे कौन सी वाली यूज़ करनी कौन सी नहीं यूज़ करनी। सबको ज़रूरत भी नहीं है, कुछ लोग प्लेन हाईलाइट को रीड करके रिवाइज़ करना ज़्यादा सही समझते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। पहले मैं वो ही पोस्ट करता था, अभी जनवरी 2024 से स्टार्ट किया है। PT 365 का मैंने आपको बता ही दिया है, हम लोग इस बार YouTube पर नहीं करेंगे, इसको Zoom लाइब्रेरी पर कवर कर रहे हैं। तो Zoom लाइब्रेरी हम कैसे कवर करते हैं, हम लोग टाइम सेट करते हैं। जैसे मान लो पॉलिटी का है, तो पॉलिटी की मैगज़ीन कुछ 5 से 6 घंटे में आराम से एक बंदा खुद पढ़ के कवर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 दिन बैठेंगे 3-3 घंटे का शेड्यूल लगा करके, और मैं आपको टॉपिक बताता जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी सारे विजन की करंट अफेयर सारे पूरे साल के ऐसे कवर किए हैं, पहले PT 365 ऐसे 2-3 बार कवर भी की हुई है 2-3 सालों से, और ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है। तो व्हाट विल डू, हम टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, 15 मिनट में ये टॉपिक जिनका हो जाता है वो अपने हैंड रेस करते चलते हैं जूम पर, और बहुत सारे लोग इसको अटेंड करते हैं। इट्स वेरी इजी, सी यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी आपको पेड लेक्चर दे रहा हो इन दिनों में, डू नॉट टेक द पेड लेक्चर्स। रीज़न बींग ये है, जब एग्जाम पास में आ रहा होता है ना तब आपको ना ब्रेन में उसको ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर करना पड़ता है। व्हेन यू सिट योरसेल्फ यू रीड द कंटेंट देन यू नो कि ये मुझे याद है नहीं याद है। जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, अच्छा ये तो मुझे आ जाएगा, ये मैं तब कर लूँगा। अब वो टाइम नहीं है, अब इसको हैंड टू हैंड याद करते हुए चलना है, अब खुद पढ़ना पड़ेगा। हमेशा खुद ही पढ़ना होता है, लेकिन कभी कभी आपको लेक्चर से हेल्प मिल जाती है। अभी लास्ट टाइम पे ये लेक्चर्स वगैरह मत देखना, वो हेल्पफुल नहीं होते। तुम्हारे ना मन को ना ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते कि ओ मैंने इतना बड़ा लेक्चर देख के मैंने कंप्लीट कर दिया। नो, यू हैव टू सिट फॉर विद 1 PDF एटलीस्ट 4-5 आवर्स खुद बैठना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। बाकी आपकी इच्छा, बेस्ट विशेज़ फॉर यू, बाय बाय। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको
प्रिलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रिलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स हैं इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया, एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा, मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इशूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो, तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स पूछ आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कॉन्टेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टू UPSC सिलेबस जो प्रिलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है एंड देन डायनेमिक कॉन्टेंट इज़ ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है, एंड अपनी नीड्स के हिसाब से
इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ कुछ में तो एक चीज़ के दो दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे, तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-prong अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मैंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, जो एथिक्स में यूज़ हो सकता है, 5Is में इरीगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी, 3F मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट इट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन हैं बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को कैसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है, ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज़ करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम, तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ देम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रिलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे, ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो।
देन वी हैव कोट्स वगैरह. अब जो कोट्स हैं ना उनमें एक चीज़ दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं. इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स. जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इन टू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो. इवन जी एस 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन कहीं यूज़ कर सकते हो. मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है. लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है. देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है. तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं. बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है. एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है. तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए. तो ये आपको एडवांटेज मिलता है. और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है. अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की. तो जो आप वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा. तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है. बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं. जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़ बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा. जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट. और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा. अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो. जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टा मोजो. सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा. तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टा मोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो. तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा. जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा. तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो. डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है. द टॉपिक इन साइंस एंड टेक वी हैव इस एक्सपोसेट के बारे में. तो रिसेंटली इसरो ने एक सेटेलाइट लॉन्च की थी यूजिंग PSLV C58. इस सेटेलाइट का नाम था एक्सपोसेट. तो PSLV जो है एक 4-स्टेज व्हीकल होता है, इसमें इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेज इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, एंड इफ़ यू लुक एट द सेकेंड एंड द फोर्थ स्टेज इट हैज़ लिक्विड फ्यूल. तो दिस पॉइंट कैन बी यूजफुल फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. तो ये जो सेटेलाइट गई है इसका पूरा नाम है एक्सरे पोलैरिमीटर सेटेलाइट. दो चीज़ें होती है, एक होती है लाइट विच इज़ अनपोलराइज्ड विच गोज़ इन टू ऑल द डायरेक्शंस. हम एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू से जब लाइट पास करती है तो एक डायरेक्शन में आ जाती है, वी कॉल दिस पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन का जो सिस्टम होता है ना इसका यूज़ किया जाता है. हम लोग पोलराइजेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज होते हैं वहाँ से आने वाली एमिशंस के लिए. एंड हुआ ये है कि ये जो एक्सरे पोलरीमीटर है ना ये मीडियम एनर्जी के बैंड में पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा. पहले ये ऑप्टिकल और रेडियो बैंड्स में इस्तेमाल हो चुका है ऑलरेडी. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, अदर सेलेशियल बॉडीज़, हम लोग जैसे पल्सर्स हो गए, मैग्नेटार्स हो गए, हम लोग उनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी
पढ़ पाएंगे बिकॉज ऑफ द लाइट रेज कमिंग थ्रू देम। एंड इसके अलावा यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, लाइक द ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार्स, विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो ये पहला डेडिकेटेड सेटेलाइट होने वाला है इसरो का, जो इस तरह का रिसर्च करने वाला है एक्सरे मिशन को लेकर के। एंड वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो सेकेंड होगा, क्योंकि 2021 में नासा ने ऑलरेडी एक ऐसा सेटेलाइट लॉन्च किया था। एक्सपोसेट में हमारे पास पॉलिक्स है और एक्सपेक्सट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स हैं जिनका काम होगा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एंगल ऑफ पोलराइजेशन और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इन दो चीज़ों के बेसिस पर वी स्टडी देम। तो जब ऑन पोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। और इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इफ़ यू नो अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जब लाइट का जो रेज होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होता है, तो उस प्रोसेस में एक ऑब्स्टिकल के थ्रू जब गुजरता है, दिस कुड बी दैट ऑब्स्टिकल, द फिल्टर, है ना। तो ये फिनोमेना के थ्रू काम करता है। फिर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है उसको पढ़ते हैं, वी कॉल दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज साइंटिफिक टर्म्स, दे डू नॉट हैव मच रेलिवेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स एग्जाम, बट जस्ट कीप देम रेडी फॉर द जस्ट सम आइडिया। दिस टॉपिक हैज़ रेलिवेंस विद योर मेन्स ऑल्सो, रीज़न बींग क्योंकि इंडिया इस तरह की कोई सेटेलाइट लॉन्च करता है, एंड इससे पहले 2021 में नासा ने किया था, तो इट होल्ड्स रेलिवेंस क्योंकि हो सकता है कि UPSC इज़ वेरी इंटरेस्टेड। समथिंग यू कॉल इट पोएम, पोम, POEM। ये PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। वैन वी कॉल इट द ऑर्बिटल, ऑर्बिट का मतलब बहुत हद तक इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग। तो इसमें हम लोग जो फोर्थ स्टेज होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। एंड कहाँ पर करता है ये, इन द ऑर्बिट, और इसका टाइम पीरियड हो सकता है 4 से 6 मंथ्स तक का। एक चीज़ और है न्यूज़ के अंदर, एंड देर इज़ समथिंग वी कॉल इट द सिग्नस X1 ब्लैक होल। तो पहली बार एक्सरे पोलराइजेशन से हमें कुछ पता चला था सिग्नस X1 ब्लैक होल के बारे में। तो हमारी गैलेक्सी में पहली बार एक कन्फर्म ब्लैक होल सिस्टम है। तो 2015 में इसरो ने लॉन्च किया था एस्ट्रोसैट लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उसमें कुछ पेलोड्स वगैरह थे। तो हम लोग कोशिश करना चाह रहे थे कि न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स की स्टडी करना, उसमें क्या एनर्जी प्रोसेस होता है, एंड किसी भी तरह का स्टार जो होता है व्हेन इट लिव्स बियॉन्ड आर गैलेक्सी, तो उसका बर्थ रीजन के बारे में जानना चाह रहे थे, और स्काई के अंदर जो एक्सरे के सोर्सेज होते हैं उनके बारे में पता करना चाह रहे थे। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोगों ने एस्ट्रोसैट से जानने की कोशिश की थी। तो एस्ट्रोसैट ने ही पता लगाया था सिग्नस X1 के बारे में, जो कि कन्फर्म ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी का। दिस वॉज अ सिंपल स्मॉल टॉपिक, इट हैज़ रिलेवेंस विद बोथ मेन्स एंड प्रीलिम्स। इन 7.2 वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। इट विल होल्ड रिलेवेंस फॉर प्रीलिम्स, मेन्स एज वेल एज द इंटरव्यू। रीज़न बींग चाइना भी अपने स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है, पुराने वाला जो है वो कुछ समय में एक्सपायर हो जाएगा, 2030 तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो रशिया ने अपना एक क्रॉस फ्लाइट का एक प्रोग्राम होता है वो नासा के साथ इंक्रीज करके 2025 तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो स्पेस मैंने एक स्टेशन बनाया हुआ हम लोगों ने, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा आर्टिफिशियल सेटेलाइट हम लोगों ने वहाँ पर सेटअप किया हुआ है जो हैबिटेबल है, यानी कि उसमें इंसान रह भी सकता है, और वो हमारे अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है, यानी कि वो 370 से 460 किलोमीटर की हाइट पर है। 5 मेजर जो एजेंसीज थी उन्होंने मिलकर इस पर काम किया था, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देन नासा, जापान का, कनाडा एंड रशिया। तो इसको ना टुकड़ों में भेजा गया था, सबसे पहले शुरुआत की थी 1998 में, एंड उसके बाद धीरे धीरे 2030 तक इसको पूरा, मतलब इसका यूज़ किया गया अभी, लेकिन आगे जो लास्ट जो मॉड्यूल था इसमें 2021 में ऐड भी किया गया था, बट इसको रिटायर भी करेंगे। तो टुकड़ों पर टुकड़ों में गया था, फिर ऑर्बिट में इसको बनाया गया था, है ना। तो ऑलमोस्ट 40 ऐसे मिशन थे जिनमें सामान ले जा करके उसको पूरा ऊपर बिल्डअप किया गया था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट्स मूविंग वेरी फास्ट। 1 सेकेंड में 5 माइल ट्रेवल कर रहा है ये स्पेस में, तो हर 1.5 घंटे में ये पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। इसका वेट भी काफ़ी है, 400 टन के आसपास इसमें सब कुछ लगा हुआ है। एंड ऑर्बिट में अभी राइट नाउ ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल बॉडी है, और 20 सालों से चल रहा है ना। दीज आर लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशंस। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें रिसर्च एंड साइंस के बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म का जो स्पेस रेडिएशन का एक्सपोजर होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग। फिर ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज आपस में काम कर रही होती हैं, बहुत सारे डिजीज़ वगैरह को लेकर के टेस्टिंग की जाती है वहाँ पर, मेडिसिन वगैरह की ह्यूमन बॉडी के लिए। कुछ बिजनेस वगैरह एंटरप्रेन्योर्स भी इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने कमर्शियल वेंचर्स के लिए।
एंड कभी कभी कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन वगैरह के अंदर ये एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखने के लिए भी एक हैबिटेबल सोर्स की तरह काम कर सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के मिशंस के लिए। तो रशिया ने अपना पहला स्पेस स्टेशन 1971 में लॉन्च किया था, है ना। चाइना का 2016 के अंदर जो लॉन्च हुआ था, चाइना ने टियांगोंग 1 लॉन्च किया था, टियांगोंग 2 भी लॉन्च किया था 2021 में, उन्होंने और भी चीज़ उसमें ऐड की थी। यूएसए ने पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था 1973 में। इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो आने वाला है फ्यूचर में। नासा का एक बेस कैंप भी बनने वाला है मून के सरफेस पर। तो देर आर मोर स्टेशन दैट आर अपकमिंग, बट अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये थोड़ा सा बंद हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा जो इंडिया का स्टेशन होगा वो 2035 तक आ जाएगा, एंड हमारे को चैलेंजेस हैं क्योंकि हमारे पास इसको बनाने के लिए कॉस्ट इतनी हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे, और हमको अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर जो हमारा गगनयान है उस पर भी काम करना है, एंड इसके अलावा हमको अपना टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करना होगा। अगर हम इसको कल सेटअप कर पाते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, हमारा खुद के स्टेशन को, तो हमारी नेशन की प्रेस्टीज है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन, पीस, साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। सो क्रॉस फ्लाइट के अंदर क्या करते हैं कि एक बार रशिया से एक फ़्लाइट जाती है उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उसमें एक यूएसए का होता है। ऐसे यूएसए से कोई फ्लाइट जाती है उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उसमें एक पर्सन रशियन होता है। तो ये क्रॉस फ्लाइट्स होती है, इन्होंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस हैबिटेशन भी एक चीज़ होती है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग हैबिटेबल कॉलोनीज बना लें स्पेस में 2040 तक। तो उसमें कुछ डिबेट भी चल रही थी कि ह्यूमन बींग्स के लिए बियॉन्ड अर्थ मून्स और मार्स के ऊपर रहना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देर आर फ्यू थिंग्स, एक प्लेस है इसका नाम है गोल्डिलॉक्स जोन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये एक हैबिटेबल जोन कह सकते हैं हम इसको, है ना। तो एक एरिया होता है जहाँ पर कोई भी, अगर आप कहते हैं जैसे सन की बात कर लेते हैं या फिर किसी और प्लैनेट की बात कर लेते हैं, तो लिक्विड वाटर वहाँ पर मिल सकता है उससे फिर उसके आसपास के प्लैनेट्स के ऊपर। तो उस जोन के अंदर हम लोग हैबिटेबल जोन्स बना सकते हैं। तो सर्टेन थिंग्स हैव बीन प्रपोज्ड, कुछ सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट वगैरह प्रपोज भी किए गए थे, और नासा के द्वारा भी प्रपोज किया गया था समथिंग काइल, एक टोरॉइडल बोलते हैं स्पेस स्टेशन को, तो डोनट की तरह शेप में है वो, है ना। उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी क्रिएट की जाएगी। ओ नील सिलेंडर करके एक फिजिसिस्ट ने भी प्रपोज किया था, उन्होंने कहा था कि लार्ज सिलेंडर्स की तरह बना सकते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो उससे अंदर की तरफ हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना पाएंगे ताकि स्पेस में ईजी हो जाएंगे सारे फंक्शन परफॉर्म करना। तो कंट्रीज़ अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही हैं, इंडिया, यूएसए, चाइना सब इस पे काम कर रहे हैं। एंड एलन मस्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए प्लान टू मेक ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मार्स। अगर हम लोग स्पेस में रहने की जगह बना पाते हैं तो हमको जो एक्स्ट्रा टेरिटरी लाइफ होती है, द ईटी लाइफ वी कॉल इट, देर आर सर्टन मूवीज़ बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ। एक यूएस की नहीं, पता नहीं कौन सी कंट्री की बनाई थी, ईटी नाम था मूवी का, एंड देन उसी को कॉपी करके इंडिया में जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, द मूवी वॉज कॉई मिल गया, उसी के ऊपर बेस्ड थी। तो वील गेट टू नो अबाउट कि स्पेस में अदर देन अर्थ आर देयर ह्यूमन बींग्स और देर आर लाइक एलियंस, कोई है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से है या नहीं है। फिर देर आर मल्टीपल थिंग्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनका भी हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। दूसरे स्पेस में और भी बॉडीज़ होती हैं, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, है ना। देर आर सम एस्ट्रॉइड्स वगैरह, वहाँ पर ये एलिमेंट्स मिल सकते हैं, वी कैन यूज़ देम एंड वी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस सेक्टर। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप, एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी, सब पे काम किया जा सकता है। स्पेस में वेदर को स्टडी करना, फोरकास्टिंग करना, है ना, स्पेस से डेबरी रिमूवल के प्रोसेस पे भी फिर पैरेलली काम चल जाएगा। एंड देन देर आर अदर थिंग्स विच कैन वी कैन इन्वेंट, है ना, कुछ नई चीज़ इन्वेंट भी कर सकते हैं। जैसे निटिनॉल होता है वो सेटेलाइट में लगता है ऑर्थोडोंटिस के द्वारा, तो वी कैन हैव मल्टीपल बेनिफिट्स अगर हम लोग स्पेस में रहने लायक जगह बना लेते हैं। तो इशूज़ क्या आते हैं, पैसा बहुत लगता है, वेरी कॉस्टली सेटअप करना पूरा का पूरा, तो इसका लंबा एक जेस्टेशन पीरियड रहेगा, लंबे समय तक इसको टिका के रखना होगा, तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट उसमें लगेगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन, हमको ऑक्सीजन सेटअप करना होगा, खाना, मेडिकल सप्लाई, पावर सोर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एवरी बेसिक थिंग दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ ऑन द अर्थ वी विल बी नीडिंग इन द फ्यूचर। फिर हमें देखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए ब्रीदेबल है या नहीं, ग्रेविटी काम कर रही है नहीं, पॉसिबल है उसमें नहीं, आइसोलेशन पॉसिबल हो पाएगा नहीं, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कैसलर सिंड्रोम हो जाता है। कैसलर सिंड्रोम का मतलब होता है स्पेस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाते हैं तो वो टकरा करके हवा में रेंडम घूमते हैं, फिर वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे आपस में टकरा जाएंगे, तो बहुत सारा बिग अमाउंट, एक बड़े लार्ज क्वान्टिटी में कॉलिजन हो सकता है। फिर कितने रिसोर्सेज अर्थ से वहाँ लेके जाने हैं, कितने वहाँ क्रिएट करने हैं, कैसी गवर्नेंस होगी, कौन स्पेस की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा, है ना, एलियन प्लैनेट्स वगैरह के ऊपर किस तरीके से हम लोग नुकसान कर सकते हैं, कितना उनके रिसोर्सेज को कल को हम ले पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, दीज आर ऑल द एथिकल इशूज़ ऑल्सो।
देर आर गवर्नेंस इशूज़, देर आर लॉजिस्टिकल इशूज़, देर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़, देर आर फाइनेंशियल इशूज़। इन एवरी डायमेंशन देर आर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, इन एवरी डायमेंशन देर आर स्पेसिस टू बी एक्सप्लोर्ड। तो वी कैन यूटिलाइज द रिसोर्स दैट वी हैव अवेलेबल राइट नाउ, है ना। तो रादर देन लॉन्चिंग एवरी थिंग फ्रॉम अर्थ, वी कैन स्टार्ट टू डिपेंड अपॉन कि क्रिएट क्या क्या कर सकते हैं स्पेस में। तो वी कैन हैव रोबोट्स जो ऑलरेडी मून के ऊपर काम करते रहते हैं, है ना। तो वी कैन हैव मोर प्लांट्स, इनके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो मून के ऊपर ग्रो किए जा सकते हैं। फिर ऑनरशिप किसके पास होगी, उसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन पे काम कर सकते हैं ना, कोई लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। एथिकल्स के मामले में किसके पास कितने राइट्स होंगे, और उसके अलावा कितना रिस्क कौन ले पाएगा, हाउ मच जस्टिस ना, हाउ विल द जस्टिस थिंग वर्क। देन वी हैव दिस यूएन की कमेटी है फॉर द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, उसके साथ हम लोग डिफरेंट ट्रीटीज़ को भी अलाइन कर सकते हैं। वी कैन शेयर द नॉलेज, वी कैन शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो एक आउटर स्पेस ट्रीटी है जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की कंट्रीज़ दूसरे स्पेस में क्या कर सकती हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। एक एग्रीमेंट है रेस्क्यू को लेकर के कि कभी कभी कोई चीज़ स्पेस में अगर रुक जाती है उसको हाउ वी कैन गेट दैम बैक। मून को लेकर के एग्रीमेंट किया गया था कि मून पर आप कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना होता है। फिर स्पेस में इफ़ देर इज़ सम डैमेज दैट इज़ हैपनिंग, तो उसके लिए लाइबिलिटी कन्वेंशन है कि कौन जिम्मेदारी लेगा, जिसने नुकसान किया वही जिम्मेदारी लेगा। फिर कोई भी चीज़ अगर लॉन्च की जाती है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है। तो एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग सेंट, इनफैक्ट इफ़ यू ऑल रिमेंबर देर वॉज अ स्पेस शिप दैट वॉज सेंट इन स्पेस, जिसमें एक कार को भेजा गया था बाय द कंपनी स्पेसएक्स। तो दे क्लिक्ड अ फोटो ऑफ अर्थ, तो उस पर भी एक नोटिस गया था कि बिकॉज इवन द फोटो दैट यू क्लिक फ्रॉम द स्पेस दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद दिस पर्टिकुलर ट्रीटीज इन द कन्वेंशंस। तो उस पर भी देर वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी विद द स्पेस एक्स कंपनी। सो मल्टीपल स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो स्पेस वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे हमने माइंड मैप्स टॉपिक पे प्रिपेयर किए थे, ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी के ऊपर। देन वी हैव मैंड स्पेस मिशन, जिसमें इंडिया वाला जो है वो गगनयान का है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। देन वी हैव स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग, वी हैव स्पेस डेब्री, देन वी हैव स्पेस सस्टेनेबिलिटी, और वी हैव स्पेस टूरिज्म। तो ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं स्पेस वाले, स्पेस वेपनाइजेशन, क्योंकि मेंस के लिए ये टॉपिक हाईली रिलेवेंट है, हाईली रिलेवेंट। इसमें क्वेश्चंस आता ही आता है एवरी वन और दी अल्टरनेट ईयर इस टाइप से। तो डू नॉट स्किप, ये माइंड मैप से आप रिविजन कर सकते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन भी है। नाउ वी हैव द टॉपिक नंबर 7.3, इसमें हम लोग नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली MGB की मीटिंग हुई थी ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन, जिसमें उन्होंने बात की थी कि हम लोग मिशन कोऑर्डिनेशन सेल के ऊपर किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो मिशन कोऑर्डिनेशन सेल क्या होगा, ये एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी इस नेशनल क्वांटम मिशन के लिए, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के साथ काम करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वांटम के बारे में पहले जान लेते हैं। 2023 से 2031 के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव बनाया था कि नेशनल क्वांटम मिशन का, इंडिया को क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में ऊपर लेके जाना है, इसके R&D पे काम करना है पूरा। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि 8 साल में होंगे, हम लोग एक क्वांटम का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे, हम उसकी कंप्यूटिंग पावर पे काम करेंगे, मैग्नेटोमेट्री और एटॉमिक क्लॉक्स पे, क्वांटम मटेरियल डिज़ाइंस के ऊपर। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर ना हम लोग दो चीज़ों को अगर समझ गए तो वील अंडरस्टैंड द क्वांटम टेक्नोलॉजी। नंबर वन इज़ एंटेंगलमेंट, नंबर टू इज़ सुपरपोजिशन। सो वॉट इज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये फिजिकल फिनोमिना, पहले डेफिनेशन देखो फिर मैं थोड़ा सा और एडिशन इसमें करता हूँ। एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें जब क्वांटम स्टेट में होते हैं ना दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टिकल्स, तो वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पार्टिकल के स्टेट के ऊपर, है ना। तो ये जो कनेक्शन होता है ना ये परसिस्ट करता है इवन जब भी जब पार्टिकल किसी लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जिनके ऑपोजिट स्पिन्स हैं, ठीक है, लाइक यू हैव टू पार्टिकल्स, वन पार्टिकल वन एंड पार्टिकल टू, राइट। दे हैव द पार्टिकल्स, इनके कुछ अगर मान लो ऑपोजिट स्पिन्स हैं, कुड बी द ऑपोजिट स्पिन्स, है ना, आप इनको सेपरेट कर देते हो बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक। द मोमेंट एक पार्टिकल, वन पार्टिकल इज मेजर्ड, यू नो द स्टेट ऑफ द अदर पार्टिकल, ठीक है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बहुत की एस्पेक्ट है क्वांटम फिजिक्स का और फ्यूचर में आने वाली जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज होने वाली क्वांटम की। तो इट अराइजेज वेरी नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल इन द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टिकल कोलिजन ऑल्सो। तो इफ़ यू हैव टू स्टडी एंटेंगलमेंट, तो जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो जनरेट करते हैं दो एंटेंगल पार्टिकल्स एक से, वो जो पार्टिकल्स होते हैं फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भेजा जाता है। सेकंड थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सुपर पोजिशन। तो पहले आप एक बार डेफिनेशन को देखो, सुपर पोजिशन
क्वांटम सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो ये बताता है कि कैसे दो या फिर दो से ज़्यादा जो क्वांटम स्टेट्स होते हैं उनको आप कंबाइन करके क्रिएट कर सकते हो दूसरा क्वांटम स्टेट। तो ये फंडामेंटल फीचर होता है हमारे क्वांटम फिजिक्स का। सुपरपोजिशन एक एबिलिटी हो गई क्वांटम सिस्टम की जो मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं एट वंस अंटिल इट इज़ मेजर्ड, ये भी ध्यान रखना है। तो जो मोस्ट जनरल स्टेट होती है ना कॉम्बिनेशन की, मोस्ट जनरल स्टेट है ना, वो एक कॉम्बिनेशन है सारी पॉसिबिलिटीज़ का। तो इसमें आपको साथ में एक चीज़ जो और वर्ड आपको याद रखना होगा, जैसे क्यूबिट हो गया है ना, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स क्या होते हैं, ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो जिस ये एग्ज़ाम में आपका पहले वैसे आ भी चुका है क्यूबिट के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया फोटॉन्स हो गया। क्यूबिट रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो सेम टाइम पर, इसी को बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन। तो इससे जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ना वो साइमल्टेनियसली बहुत लार्ज नंबर में बहुत सारे पोटेंशियल आउटकम्स को कैलकुलेट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस। तो इस मिशन से इंडिया को हम लोग क्वांटम में ग्लोबल बनाने की कोशिश करेंगे। विल बूस्ट दी R&D, विल हैव बेटर कम्युनिकेशन, सेफ एंड रोबस्ट हमारी कंप्यूटिंग, जैसे हमने जस्ट नाउ सुपर इम्पोजिशन का बताया था। तो 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे, तो मेजरमेंट को बहुत प्रिसाइज कर लिया जाएगा, जैसे एटॉमिक क्लॉक होता है वो स्पेस में मेजर करता है। इनोवेटिव इकोसिस्टम होने वाला है, हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स में इस पे काम कर पाएंगे। प्रॉब्लम है चैलेंजेस की, हमारी कंट्री के अंदर जो R&D है ना वो हमारे GDP का 0.64% ही है, मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो 2% इन्वेस्ट करती है। तो इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड दिस फॉर मोर देन 75%। प्राइवेट सेक्टर की प्रॉब्लम है कि प्राइवेट सेक्टर 40% के आसपास ही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है 70%, इट्स मोर देन 50%। वी डू नॉट हैव इनफ ट्रेंड प्रोफेशनल जो लोग क्वांटम वर्ल्ड में काम करते हों, वी डू नॉट हैव इनफ सोफिस्टिकेटेड लैब्स ऑल्सो फॉर दिस थिंग, एंड लाइसेंसिंग के फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है, तो वी हैव दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला इशू। रेगुलेटरी में प्रॉब्लम है कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज को लेकर के जो भी हम फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं दे आर नॉट इनफ, वी हैव टू डेवलप न्यू फ्रेमवर्क्स। देन सिंस दिस इज़ अ समथिंग विच इज़ वेरी टेक्निकल पार्ट, तो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क रहेगा है ना, तो वी नीड टू वर्क ऑन द क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी। वी हैव द क्रिप्टोग्राफी बट वी नीड टू टेक इट टू अनदर लेवल विच इज़ क्वांटम रेजिस्टेंस। तो जो भी होने वाले फ्यूचर में पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उन सब से निपटने के लिए, वॉट मोर वी कैन डू, अगेन वी नीड, वी हैव ऑलमोस्ट 40%, वी नीड टू इंक्रीज इट अप टू एटलीस्ट 60% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वी नीड स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर दिस, तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, अकेडमिक कोलेबोरेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगेन द कोलेबोरेशन, एंड देन आफ्टर दिस फर्दर ट्रेनिंग पार्ट इन द इंडस्ट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो रीजनल लेवल के ऊपर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। वी कैन हैव IP गाइडलाइंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली गाइडलाइंस ना, हु विल ओन दिस, लाइसेंसिंग किसको देनी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। रेगुलेशन के मामले में वी कैन हैव अ डेडिकेटेड बॉडी फॉर दिस थिंग, जो कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के साथ कनेक्टेड रहेगी। टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अकेडमिक रिसर्च कैन वर्क ऑन द इनिशियल मॉडल्स ऑफ द एप्लीकेशन, बट इट्स द इंडस्ट्री विच एग्जीक्यूट द एप्लीकेशंस, सो वी नीड टू मेक श्योर वी हैव अ प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन देम, एंड इन्वेस्ट मोर एंड मोर है ना फंड के लिए, R&D के लिए, तो सो दैट वी हैव इनफ सेंसिटिव डेटा अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट्स विच कैन बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज, दिस क्वांटम वर्ल्ड इज़ वेरी टू मच टेक्निकल, दैट इज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ सो फार। नाउ वी हैव दिस टॉपिक नंबर 4th, जिसमें हम लोग बात करेंगे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो तेलंगाना ने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग C4IR सेटअप करेंगे हैदराबाद में, अ सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, और 4th है तो 1st, 2nd और 3rd जो हैं वो क्या थे, राइट। तो थोड़ा सा पहले पुराने से ही चलते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज़ आप समझते होंगे, इंडस्ट्री उसमें ना रेवोल्यूशन आया टाइम टू टाइम पर, उनमें एक डेवलपमेंट होते रहे थे। तो बहुत आसान सी चीज़ है, जो पहले वाला था आप देख पा रहे हो उसमें मशीनीकरण बहुत था, है ना, जैसे वाटर की पावर से, स्टीम की पावर से मशीनों को रन किया जाता था। सेकंड में प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया, स्केल अप किया गया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया गया था, असेंबली लाइंस क्रिएट किए गए। आप लोग कार्स मैन्युफैक्चरिंग में जानते हो, देर आर असेंबली लाइंस, है ना, और प्रोसेस को चलाने के लिए अब स्टीम और वाटर की जगह इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर का इस्तेमाल होने लगा। 3rd जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स आ गए, चीज़ों को थोड़ा सा ऑटोमेट होना लगा। अब आप 3rd जनरेशन की बात करोगे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3rd जनरेशन बिल्कुल पिछली सेंचुरी से ही है। अब जिसकी हम बात करें ना, वी आर वर्किंग ऑन द साइबर फिजिकल सिस्टम, द साइबर जो है ना वो अपने आप में अब ऑटोमेशन के भी बियॉन्ड जा चुका है। ऑलराइट, तो जान लेते हैं इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है ये। इसकी शुरुआत 2016 में ही इस टर्म को दिया गया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके फाउंडर है क्लॉस स्क्वाब, उनके द्वारा।
उन्होंने कहा था कि जो नई टेक्नोलॉजी है, लाइक वी कैन कॉल इट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है ना, ये 3D प्रिंटिंग हो गया, ये सब चीज़ें, AR हो गया, VR हो गया, एंड वी हैव दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप देखोगे UPSC ने इन सब पर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका प्रीलिम्स में, पहले हर एक की एप्लीकेशन पर सवाल ऑलरेडी आ चुका है, चारों पाँचों पर आ चुका है सवाल। तो उन्होंने कहा था कि इन सब चीज़ों के कारण जो आज का वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, उसी को हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और भी कही, उन्होंने कहा था कि स्मार्ट फैक्ट्रीज, द फैक्ट्रीज आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्टर नाउ। ऑलराइट, तो स्मार्ट फैक्ट्रीज के अंदर क्या कुछ चीज़ें आ गई, इंडस्ट्री का IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है इसी को बोलते हैं 3D प्रिंटिंग, यही वो चीज़ होती है। इसके अलावा और भी सेक्टर्स भी हैं, जैसे नैनोटेक हो गया है ना, वी हैव बायोटेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, न्यू मटेरियल्स, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग ही कर रही हैं, इंडस्ट्रीज ही काम कर रही हैं, बट अब इनका लेवल बढ़ते जा रहा है, दे आर मूविंग ऑन दी एडवांस लेवल। तो इस तरह के रेवोल्यूशन का इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा है ना, स्मार्ट पावर ग्रिड्स होंगे तो एनर्जी डिमांड सप्लाई को अपने आप मैनेज करेंगे, हेल्थ केयर हर जगह पर अवेलेबल हो जाएगा फैसिलिटीज़, इंडिया खुद को फ्यूचर में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएगा है ना, 3D प्रिंटिंग में हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे, फ्यूचर में जो वर्क स्पेस होगा उसमें स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग को हम लोग बहुत हद तक आसानी से डेवलप कर पाएंगे, सप्लाई चेन हमारा बहुत बेहतरीन होने वाला, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक जॉब्स के लिए कोर्सेज होते हैं सप्लाई चेन्स के, तो वी आर गोइंग टू स्केल अप दिस टेक्नोलॉजी एंड देन इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी ना, दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इकॉनमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड एवरी सेक्टर, प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाया करेंगे, सर्विसेज है ना, कंज्यूमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, फॉर एवरीथिंग। बट इतने बड़े प्रोसेस में चैलेंजेस तो आने वाले हैं, क्योंकि बहुत हद तक इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी है ना, देयर विल बी सर्टेन पीपल जिनके पास स्किल कम है तो उनकी सैलरी कम होगी, जिनके पास स्किल ज़्यादा है तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, तो सोसाइटी के अंदर एक गैप जो होगा कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ ही होगा इनइक्वालिटी का, तो सोशल टेंशन भी बढ़ेगा। ऐसा भी डर है जैसे कह रहे हैं कि AI के कारण देर कुड बी मास अनएम्प्लॉयमेंट, AI विल टेक ओवर, तो डिस्टर्प्ट कर देगा चीज़ों को, कर भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्प्ट हुई भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ भी जाती हैं, तो इट कुड हार्म द इकोनॉमीज, खास करके जहाँ पर चीप लेबर होती है उस चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है, एनवायरनमेंट का फुट एनवायरमेंटल जो डिजिटल एनवायरनमेंट फुटप्रिंट होता है उसको इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि अब टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी जहाँ जहाँ पर चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है तो डेवलप करने में भी एमिशंस हो रहे होंगे ना। देखो कोई भी चीज़ हो सकती है, वी नीड कॉर्पोरेट्स टू मेंटेन द बैलेंस, बट देर इज़ अ फियर कि कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर ना टेक ओवर कर जाएगा। तो साइबर चैलेंजेस अगेन, प्रिवेसी थ्रेट, हैकिंग, फेक न्यूज़, ये डर रहेगा मना। अब इस काम को डेवलप करने के लिए खास करके जो चीज़ें IoT पर चलेंगी, अब देखो घर के अंदर आजकल ना बल्ब्स, AC, फैन, वॉशिंग मशीन सब चीज़ें रिमोट बेस्ड हो गई हैं, फ़ोन में ऐप आने लग गई है, आप अपने ऑफिस से निकलते हो अपने ऐप से आप अपना AC ऑन कर सकते हो, बाय द टाइम यू रीच द होम आपका घर ऑलरेडी ठंडा होता है, तो ये IoT है ना। तो आजकल अब वो ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो इस IoT पे काम नहीं कर सकता, अब जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आएगा उसको पता होना चाहिए ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट कैसे होगा, ये डिवाइस ऐप में कैसे काम करेगा। तो यू सी इवन द वर्कर्स, द सर्विस पीपल, जो लोग ये रिपेयर वाले काम भी करते हैं उनको भी अपना स्किल अपडेट करना पड़ेगा, दे कैन नॉट बी लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं हम तो पुराने हिसाब से काम करेंगे, अब वो ठोका पीटी वाला काम नहीं चलेगा कि दीवार तोड़ के तार निकाल दिए सब करने हैं, नहीं भाई चीज़ें बदल चुकी हैं, तो रहेगा। एंड इसी के साथ एथिकल इश्यूज़ भी निकल के आते हैं गवर्नेंस को लेकर के है ना, बिकॉज दीज थिंग कैन डिटरमेंट द ऑन गोइंग फ्लो। आजकल चीज़ें क्या होती हैं, प्रोसेस इज़ मोर लाइक सप्लाई इन देन डिमांड, बट वेन थिंग्स गेट ऑटोमेटेड ना, वेन द साइबर गेट्स इन टू द फिजिकल फॉर्म, देन एथिकल इशूज़ ऑल्सो कम इन अ वेरी डिफरेंट वेज। तो प्रिवेसी कंसर्न जाहिर सी बात है, बहुत सारे फंडामेंटल इशूज़ बनेंगे इसके कारण, कि कंट्रोल कौन करेगा, किसके पास होगा सारा डेटा, एवरीथिंग विल जनरेट डेटा, आपके घर के अंदर मैंने जैसे बताया AC आप अपने ऑफिस से ऑन कर लेते हो, इट इज़ क्रिएटिंग अ डेटा, उस डेटा का कंट्रोल किसके पास है, वो ये चेक कर पा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर में कितने समय तक AC चला पा रहा है, पहले ही पता नहीं चल पाता था ना, पहले कैसे पता चलता था कि आपको महीने के बाद बिजली का एक बिल आएगा, तो आप बस आइडिया लगाते थे कि अच्छा गर्मी का मौसम है तो AC ज़्यादा चला होगा इसलिए बिल ज़्यादा है, अब AC का पूरा रिकॉर्ड है, इतने बजे से इतने मिनट तक चला, इतनी देर से इतने मिनट तक इतना तेज़ चला, तो पूरा डेटा जनरेट हो रहा है वहाँ पर। इंडिया ने बहुत कुछ किया भी है, इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी किया था जिसको नीति आयोग ने सपोर्ट किया था, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन वी हैव AI4 AI, तो दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, हम लोग AI को खेती की तरफ लेके जा रहे हैं। तेलंगाना के अंदर बहुत सारे जो फार्मर्स थे 7000 के आसपास ऐसे फार्मर्स जो मिर्च उगाते थे उन्होंने डिजिटल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया था,
देन इंडियाज बींग हब फॉर द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन आ रहा है हमारे पास, एजुकेशन 4.0 यूनिसेफ के साथ काम कर रहा है, फर्स्ट कैंसर केयर ऑन द लाइन्स ऑफ फर्स्ट हेल्थ केयर, इसमें मेघालय का जो खासी हिल्स है वहाँ पर मोर देन 7 लाख जो रेजिडेंट्स थे उनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। देन वी हैव समर्थ, है ना, तो समर्थ में वी हैव स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के थ्रू किया जा रहा है। तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड सेक्टर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, इट्स अ कम्प्लीटली मेंस वाला टॉपिक। मैंने इसका आप लोगों के लिए माइंड मैप ऑलरेडी प्रिपेयर भी किया हुआ, अगर आप चाहें तो माइंड मैप से भी पढ़ सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, इंडिया को ज़रूरत क्यों है, बेनिफिट क्या होंगे, जब हम इसको शिफ्ट कर रहे थे तब की बात है ये टॉपिक, तो है क्या फोर्थ वे फॉरवर्ड, क्या होगा, इनिशिएटिव्स क्या लिए थे इंडिया ने फार्मर जोन में, है ना, CFIR वाला, ऑल इंडिया काउंसिल टॉक्स, टेक्निकल एजुकेशन, समर्थ, तो ये सब हम ऑलरेडी इस पर बना भी चुके हैं। इफ़ यू वांट तो आप इसको चाहो तो डायरेक्टली कंपैरिजन वाला भी सारे, यू कैन रीड दिस फ्रॉम माइंड मैप ऑल्सो, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। टॉपिक नंबर 7.5, इंडिया और अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि लिथियम के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो भारत की तरफ से ना खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, खनिज जो वर्ड है ना, खनिज बोलते हैं मिनरल को हिंदी में, तो और कैमियन है अर्जेंटीना की तरफ से, तो इन दोनों ने डील साइन की थी। एंड लिथियम अगेन क्या होता है, एक सिल्वर वाइट सा अल्कलाई मेटल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, डेंसिटी काफ़ी कम होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो लिथियम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है। ओके ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंडियाज मैप लिथियम साइट्स कैन बी शोन, तो हार्नेसिंग लिथियम, इट डजेंट अक्कर एज द मेटल इन नेचर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर प्रिलिम्स का एक फैक्ट है ये, इस तरह के टॉपिक्स में ना ऐसी ही लाइनें आती हैं बन बन करके, तो ये आपके प्रिलिम्स में PYQ में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे ना, लुक एट द PYQs, लुक एट दम, तो यू विल फाइंड कि इस तरह के फैक्ट्स मिल जाते हैं। तो मोल्टन लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के बाद इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तभी मेटल निकल के आता है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, मैग्नीशियम लिथियम अलॉय, एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम स्टेर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडस्ट्री के ड्राइंग सिस्टम में, AC के अंदर हो गया, है ना, हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, आर्मर प्लेटिंग, एयरक्राफ्ट, बाइसिकल फ्रेम, हाई स्पीड ट्रेन्स, मल्टीपल थिंग्स, एप्लीकेशंस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रिलिम्स के जो स्टेटमेंट होते हैं ना साइंस एंड टेक में, लाइक 10 questions आर आस्ड, तो उसमें से आप देखोगे 7 questions एप्लीकेशन बेस्ड वाली चीज़ों पर मिलेंगे। भारत में करंटली ये चीज़ हम लोग 100% इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना एंड हांगकॉन्ग से, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो रिसेंटली अगर आप देखोगे एक फील्ड सीजन प्रोग्राम है 2022-23 का, तो अच्छा 18 प्रोजेक्ट लिए गए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो भारत में जम्मू कश्मीर का ये रीजन, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, है ना, वी हैव झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, दीज आर द रीजन वेयर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें लिथियम मिलेगा। वर्ल्ड की अगर बात करते हैं मेजर कंट्रीज़ की, तो इंडिया 5th largest है, देन वी हैव चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर हम लोग को लिथियम रिजर्व्स मिल जाते हैं, बट वी कैन से कि इंडिया में वी आर फाइंडिंग, लेकिन वो अभी चीज़ें प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, वी नीड सम इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। चैलेंजेस क्या हैं, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, 6 से 8 साल लग जाते हैं रिजर्व्स वगैरह में उसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें स्पेशलाइज माइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वाटर को पोल्यूट कर सकता है, सॉइल को पोल्यूट कर सकता है, लोकल इनहेबिटेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, इंडिजिनस कम्युनिटी को एक्सट्रैक्शन के टाइम पर हटाना पड़ता है वहाँ से, है ना, इंडिया को अभी अनुभव नहीं है क्योंकि माइनिंग काफ़ी स्पेशलाइज तरीके से होती है, फिर भारत के अंदर हम लोगों ने देखा है रेडिकलिज्म इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो माइनिंग को लेकर के वहाँ पर एक सोशल चैलेंज भी देखने को मिल रहा है, बट सो फार बट वट वी हैव डन इज़ वी हैव डन दिस इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस, तो फर्दर US, जापान, इंडोनेशिया के साथ भी कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ना द प्राइवेट सेक्टर भी आए, गवर्नमेंट भी साथ में मिलकर काम करे, तो रिसेंटली बात की भी गई थी ऑप्शन को लेकर के ना, तो इसमें डायरेक्शन में जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में वी नीड टू वर्क मोर, वी नीड मोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, दे आर डूइंग गुड इन दिस थिंग रियली। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि जो सोशल चैलेंजेस वाला जो प्रॉब्लम था ना उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। वी नीड टू वर्क मोर, सी ऑलवेज रिमेंबर वे फॉरवर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ चैलेंजेस, जो आपके चैलेंजेस थे आप उन्हीं को कन्वर्ट करके वे फॉरवर्ड में
कन्वर्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन वर्क बेटर ऑन दिस एस्पेक्ट. वी हैव टॉपिक नंबर 7.6 जिसमें ग्रेफीन के बारे में बात करेंगे. सो वी ऑल नो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके सेक्रेटरी ने एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च किया था इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसर्स के लिए, और ये भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर होगा. ये केरला में सेटअप किया गया है. सी दिस मच इन्फॉर्मेशन हैज लॉट्स ऑफ फैक्ट्स फॉर योर प्रीलिम्स, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स. मतलब किस लोकेशन पर है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन? यस, देयर कैन बी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे उनकी लोकेशन पर भी सवाल आ जाते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, किस तरह से है. तो ये भारत का पहला ग्रेफीन सेंटर है और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर ऑफ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, इन सब ने मिलकर के दे हैव कम अप विद दिस जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर के लिए शॉर्ट में कभी कभी आपको JV सुनने को मिलेगा. तो व्हेनेवर इट कम्स JV, तो यानी कि उन्होंने मिलकर के एक प्रोजेक्ट पर काम किया. वेंचर शब्द अगर नहीं समझ में आया तो प्रोजेक्ट समझ लो, कोई इनिशिएटिव समझ लो, कोई स्टार्टअप काइंड समझ लो, ऐसे मान लो. तो भारत के अंदर हम लोग इस पर काम करने वाले हैं. ग्रेफाइट से निकल के आता है ग्रेफीन, और ये पेंसिल का जो लेड होता है ना उसमें पाया जाता है. तो कार्बन वाली चीज़ है ना, आप सबने देखा भी होगा. इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ना, स्टील से भी 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और 6 गुना ज़्यादा लाइट होता है ना. एवरीवन वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग ना जो कि स्टील से भी ज़्यादा मजबूत और स्टील से हल्का भी हो, है ना. थर्मल वर्ड का मतलब हीट होता है. हीट की कनेक्टिविटी भी इसकी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी अच्छी है, सरफेस एरिया इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना. इम्परमीबल, परमीबल मतलब पेनिट्रेट कर पाना, ठीक है. तो इम्परमीबल टू गैसेस, गैस भी इसके थ्रू पास नहीं हो सकती. ट्रांसपेरेंट है ना, इट ओनली अब्जॉर्ब्स 2% ऑफ द लाइट. यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस मटेरियल, दिस एलिमेंट, एवरीवन वुड बी विलिंग टू गेट इनटू दिस ना. फ्लेक्सिबल है ना, वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ्लेक्सिबल होता है. सरफेस एरिया लार्ज, हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, हाई सरफेस एरिया. केमिकल लेवल पर स्टेबिलिटी बहुत है ना. इनर्ट भी है, देखो ये क्वालिटीज़ कितनी बेटर है ना, ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा दूसरों के साथ. बायो कंपेटेबिलिटी भी है बायोमेडिकल एप्लीकेशन में. तो ये वंडर मटेरियल इसको बोला गया है फॉर द 21st century, एंड ट्रांजिस्टर, सर्किट, कंड्यूसिव एलिमेंट्स, एवरीथिंग सब पे काम करता है. वेन वी कम्स टू द एनर्जी स्टोरेज, ग्रेफीन वाली बैटरीज भी आती हैं. सुपर कैपेसिटर, कैपेसिटर आप लोगों ने देखे होंगे ना घरों में, फैंस जो होते हैं जैसे सबसे ज़्यादा फैंस में यूज़ होते हैं घरों में, तो फैन के ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है, दैट इज़ कैपेसिटर टू गिव दैट पुश. कंडक्टिव फिल्म्स वगैरह है ना, टच स्क्रीन, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, सोलर सेल्स, मटेरियल री इन्फोर्स करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए. देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, देन सेंसर में, गैस को डिटेक्ट करना, केमिकल्स पे, बायोकेमिकल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, उसके लिए बायोसेंसर बनाना, इमेजिंग डिवाइस बनाना है ना, वाटर फिल्टर्स, डीसेलिनेशन, प्योरिफिकेशन, एंटी फॉगिंग फिल्म्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स. यू लुक एट द थिंग्स एंड देर इज़ नो एंड टू द एप्लीकेशंस, इट इज़ सच ए वंडरफुल थिंग. तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक सेंटर ऑफ फॉर एक्सेलेंस बनाया गया. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में क्या होगा सोच के देखो, एक सेंटर बनाया गया एक्सेलेंस को लेकर के. वी वांट टू यूज़ इट एट द बेस्ट, वी वांट टू नो कि और कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, वी वांट टू नो कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, वी वांट टू नो कि इसको कैसे और फर्दर R&D में लेके जाया जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डन. तो हम लोगों ने बात की थी ना डबल IoT सेंसर्स, ये भी लॉन्च किए गए थे. तो हम लोग कुछ इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ बनाने वाले हैं IoT सेंसर्स को लेकर के. तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, अगेन द सेम थिंग मैंने कहा ना, लाइक लाइट्स जो हैं आजकल वो फ़ोन की ऐप से उन्होंने लग गई हैं, है ना, घरों के अंदर. और आजकल कार्स जो होती हैं, जैसे कार में भी ऐप आने लग गई है, तो यू कैन, लेकिन मुझे पता है कि हमारी जो कार है उसको हम लोग दूर से ऐप से लॉक भी कर सकता हूँ, उसको अनलॉक भी कर सकता हूँ. तो बोथ द फीचर्स आर देयर. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं. कुछ कारों के अंदर वो कार ज़्यादा अवेलेबल नहीं, बट जो कार का शीशा होता है ना, शीशे के ऊपर स्क्रीन आने लग गई है. एक आजकल कुछ कार्स में हेडअप डिस्प्ले आने लग गया, जैसे टेस्ला वगैरह के अंदर तो काफ़ी चीज़ एडवांस्ड है. बट इफ़ यू लुक एट इंडिया, तो कुछ कंपनीज ही उस पर काम बना पा रही है, और वो अभी मॉडल्स के तौर पर हैं, दे आर नॉट ओपन इन द मार्केट राइट. बट आई थिंक टुसान में आ गया शायद हुंडई का, पता नहीं आप में से किसी ने देखा होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. मुझे कुछ ऐसा दिखा था कुछ एडवर्टाइजमेंट में. बट क्या होगा कि स्क्रीन के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर तो स्क्रीन है उसका, आप है ना, आप फ़ोन की एप्लीकेशन से यूज़ कर पा रहे हैं उसको. एंड जो लोग पीछे गाड़ी में बैठे उनके साइड में शीशे होते हैं, आप उसको टच स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो मल्टीपल थिंग्स आर कमिंग अप. इसके लिए ऑल्सो वी नीड समथिंग, है ना, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो कंप्यूटिंग डिवाइस को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग द डिवाइसेस, वाईफाई एंड ऑल, उसी को हम लोग बोलते हैं. इस पर आपका ऑलरेडी PYQ आ चुका है एक, है ना, IoT पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था. PYQ इतना बड़ा क्वेश्चन था कि जब लोगों को लगा था अरे भाई ये क्या होगा,
बट इट सच एन सिंपल एंड ईजी आंसर इट हैड. तो ग्रेफिन वाला टॉपिक विल बी रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स. टॉपिक नंबर 7.7 इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें बात करेंगे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की. इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँगा तो ये लोग बात कर रहे हैं टेस्ला कार के बारे में, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार, उनके बारे में कुछ बात की जा रही है. तो बहुत सारी डिमांड आई है इंडिया से भी, है ना, इंडिया भी मार्केट बनते जा रहा है. तो ADAS होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं जो सेफली ड्राइव करते हैं, व्हीकल की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देते हैं. वो देखा आप लोगों ने गाड़ी में आजकल हुआ था ना, क्रूज़ ड्राइव का ऑप्शन आता है. क्रूज़ ड्राइव में आई थिंक सारी गाड़ी में आने लग गया धीरे धीरे, अब और भी इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो क्रूज़ ड्राइव में क्या होता है कि आप एक स्पीड पे जाकर के अराउंड 40-45 का होता है, उसके बाद आप वो इलेक्ट्रिक तरीके से उसमें सेट कर दो, फिर वो एक फिक्स स्पीड पे कार आपकी चलती रहेगी. फिर आपको एक्सेलरेशन से रेस से पैर हटा लेना होता है, तो कार उसी स्पीड पर चलती रहती है. और आजकल तो ये छोटी गाड़ी में भी आने लग गया, 7-8-9 लाख वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी आने लग गया. वो क्या होता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलती है फिर, और वो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देती है, एवरेज एकदम से गाड़ी की बढ़ा देती है, क्योंकि इंजन को ना बार बार अप एंड डाउन नहीं करनी पड़ी रेस, वो इलेक्ट्रिकली एक फिक्स रेंज पे चल रही होती है. तो जनरली वो हाईवेज पे चलाने में फ़ायदा होता है, सिटी के अंदर तो आप चला नहीं सकते, तो उसमें आप बस बटन दबा दो अपने आप चलती रहेगी. फिर द मोमेंट आपको रेस चेंज करनी हो तो आप जैसे ही रेस पे पैर टच करोगे या ब्रेक पे टच करोगे तो वो कंट्रोल में आ जाती है, मैनुअल में आ जाती है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. तो कस्टमर की डिमांड से ये चीज़ आजकल बहुत बढ़ती जा रही है. इसमें बहुत सारी चीज़, इसमें रडार लगता है, लिडार, कैमरा, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, GPS, ये सब सेंसर्स वगैरह लगते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, डायरेक्शन, 3D मैप बनाते हैं, साउंड वेव्स चेक करना है ना, हीट सेंसिटिव सेंसर, लोकेशन, स्पीड, ये सब चीज़ें चेक होकर के बनता है पूरा एडवांस लेवल का सिस्टम. तो एडवांस लेवल के सिस्टम में ट्रैफिक साइन को भी आइडेंटिफाई करती है, क्रॉस ट्रैफिक, पाथ असिस्टेंस, सराउंड व्यू, रियर कोलिजन. आई थिंक मर्सिडीज़ और BMW में तो पार्किंग का भी आता है, यू जस्ट क्लिक द बटन, कार अपने आप ऑटोमेटिकली पार्क होती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बटन दबा दो, कार अपने आप सेंस करेगी आसपास में जगह का बनी हुई, अपने आप पार्क करती है. तो ब्लाइंड स्पॉट देखना, ये सब चीज़ें. ऑटोनमस ड्राइविंग में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, बस एक बार रीड कर लो. तो लेवल 0 में नो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक नहीं, आपको ड्राइवर को ही पूरा कंट्रोल लेना पड़ेगा. तो कुछ धीरे धीरे ड्राइवर असिस्टेंस में आ जाते हैं, फिर कुछ पार्शियल ऑटोमेशन, फिर कंडीशनल, फिर हाई लेवल पे, है ना. और फुल ऑटोमेशन के अंदर सारे के सारे चीज़ें जो होती हैं वो गाड़ी अपने आप परफॉर्म करती है, आपको बस कमांड देने पड़ते हैं. टेस्ला के अंदर द थिंग्स हैव बीन एनहेंस्ड अ लॉट, की वॉइस कमांड पे चलता है कुछ गाड़ी में, आप लोकेशन एंटर कर दो, स्टार्ट, कार अपने आप चलती. तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही, कुछ कंपनियों ने बहुत ज़्यादा आगे की बना दी, बट वो मास स्केल पर नहीं बनाई है, वो कुछ शोकेस करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं. तो देर आर टू टाइप ऑफ ADAS, एक्टिव एंड पैसिव, है ना. एक्टिव वाला जो होता है वो क्रिटिकल ड्राइविंग सॉल्यूशन सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा असिस्ट करना पड़ता है. पैसिव वाले के अंदर तो यू हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अलर्ट्स देने पड़ते हैं ड्राइवर को, है ना, उसमें आप ड्राइव डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकते. फ़ायदा क्या होता है, रोड सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है, ट्रैफिक बेटर मैनेज होता है पहले के मुकाबले, कम्फर्ट, कन्वीनियंस, एनवायरमेंट पर कंपेरेटिवली फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, ये चीज़ तो काम करती है, दिस इज़ 100% श्योर. डिमांड भारत में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोग बहुत हद तक इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, है ना. इंडियन कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेफ्टी कॉन्शियस, हम लोग चाहते हैं कि वी नीड व्हीकल्स दैट आर परफॉर्मिंग बेटर. गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पुशिंग टूवर्ड्स द रोड सेफ्टी. तो यू सी एवरी थिंग इन दिस टॉपिक इज रिवॉल्विंग अराउंड सेफ्टी. सो ध्यान रखना जब ये टॉपिक न्यूज़ में आता है. तो चैलेंजेस ये हैं, हमारे पास ऐसा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस तरह की कार्स के लिए, वो स्टैंडर्ड रोड्स चाहिए होते हैं, है ना. हमारे पास रोड की मार्किंग्स भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट है. फिर आजकल ये चीज़ें बहुत हद तक प्रीमियम और लग्जरी कार्स में ही आ रही हैं. देन इसको बहुत सारा रियल टाइम डेटा अपडेट चाहिए होगा, जिसके लिए हमारे पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए. भारत में बहुत जगह पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता. साइबर थ्रेट होते हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन बड़ा स्ट्रांग होता है. मे बी किसी ने साइबर से इसको हैक कर लिया कार को, तो नुकसान भी पहुँचा सकता है, उसके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को हैम्पर कर सकता है. कभी कभी माल फंक्शनिंग हो जाएगी, कुछ एरर आ जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो पाई, है ना, बैड वेदर हुआ, नेटवर्क की वजह से कुछ हो गया, कभी कभी डेंजर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो क्या करेंगे, है ना. तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स कुड बी एन थिंग, है ना. तो राइट नाउ ये ऑब्स्टिकल बन सकता है इसके लिए, है ना. तो इट नीड्स मोर अटेंशन ओवर रिलायंस. सप्लाई चेन में थोड़ी प्रॉपर अभी आ रही है प्रॉब्लम, बिकॉज देखो इस चीज़ में आपको टेक्नोलॉजी में साथ साथ यू नीड मोर हाई क्वालिटी के एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं. ओके, तो देर आर वल्नरेबिलिटीज, देर आर थिंग्स अबाउट सिस्टम्स ऑपरेशन, देर आर डाउट्स.
कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि कोई कंज्यूमर अपनी लाइफ एंड डेथ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा यहाँ पर। तो इफ़ दे ऑप्ट फॉर दिस थिंग्स, दीज थिंग्स नीड टू मेक श्योर कि ये डिलीवर करें अपना, है ना। कंज्यूमर को लगेगा रिस्की है तो वो भरोसा नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट स्टेप क्या ले, इस तरह की चीज़ों में रेगुलेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, है ना। देर हैज़ टू बी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बेंचमार्क्स होने चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के लेवल पर ही काम किया जाएगा। कंज्यूमर का ट्रस्ट बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके लिए R&D पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरर्स को, अथॉरिटीज़ को टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। ADAS पर बहुत सारे अटैक्स होंगे तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को और ध्यान में रखना पड़ेगा, टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स हों, है ना, सिक्योर कोडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, इंक्रिप्शन होना चाहिए। ड्राइवर के बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, तो उसमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन। मतलब ड्राइवर के ऊपर कह रहे हैं कि एक कार अगर ऑटोनोमस है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी कार भी राइट नाउ ऑटोनोमस है, जो दूसरे ड्राइवर लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि देर आर ऑटोनोमस कार्स रनिंग इन द सिटी, तो दे ऑल्सो नीड टू बी अवेयर, दे ऑल्सो अवॉइड रेकलेस ड्राइविंग। तो एवरीथिंग हैज़ टू गो पैरेलली, मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैव टू बी टेकन। इन द टॉपिक नंबर 7.8 वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडक्शन चार्जिंग ई मोबिलिटी के लिए। भारत कोशिश कर रहा है कि जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसमें हम लोग ऐसे हाईवेज पे काम करें जहाँ पर इंडक्शन चार्जिंग की टेक्नोलॉजी सेटअप कर दी जाए। देखो ये क्या चीज़ होने वाली है ना, डेफिनेशंस में क्या जाओगे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये नीचे आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग कुछ कॉइल्स वगैरह लगे हुए हैं, राइट, ये चार्जिंग और कंट्रोल सिस्टम है, ये एक वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग ना, ये मेथड होगा जिसमें वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए सड़क के ऊपर ही वो ट्रांसमिटिंग कॉइल्स लगे होंगे, तो आपको स्पेशली जाकर के चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा। लाइक अगर आपकी गाड़ी उस सड़क पर मूव कर रही है तो मूव करते करते भी वो चार्ज हो रही होगी, ठीक है। तो दो मेथड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, है ना, कपलिंग वगैरह करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोड्स की, है ना, कपलिंग करनी पड़ेगी कॉइल्स ऑफ वायर्स की। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होने वाला है किस पर बेस्ड होने वाला है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन पर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, ऑलराइट। एक प्राइमरी सर्किट होगा, एक सेकेंडरी सर्किट होगा, तो चार्जिंग को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर ड्राइवर को अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग पैड पर रखना पड़ेगा। अभी मैंने कहा ना कि गाड़ी सड़क के ऊपर चलती हुई चार्ज होगी, वो एक एडवांस स्टेज है। पैरेलली अभी क्या होगा कि अभी देखो राइट नाउ क्या चल रहा है, आज की डेट में क्या चल रहा है ना, लाइक मार्च में क्या चल रहा है, फरवरी 2024 में आपको गाड़ी में एक वायर निकालना पड़ता है, आपको पावर सॉकेट में डालना पड़ता है। आगे हम किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, आगे एक लेवल प्रिपेयर हो रहा है जो सोलर चार्ज वाला प्रिपेयर हो रहा है। आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहेगी तो सोलर चार्ज से आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। तीसरा जो प्रिपेयर हो रहा है वो हो रहा है ये, बस गाड़ी वहाँ सड़क पर खड़ी हो जाएगी, रैंडमली खड़ी रहेगी, खड़ी खड़ी जहाँ भी खड़ी होगी सड़क पर वो वहाँ पर नीचे कॉइल्स वाला एरिया को पैड होगा तो उस पर चार्ज होती रहेगी। एक और जो मैं आगे एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, विच इज़ वे हायर देन ऑल दिस थिंग्स, गाड़ी आपकी सड़क पर चल रही होगी, सड़क के ऊपर पूरी पे कॉइल्स लगी होंगी, वो चलती चलती ही चार्ज हो रही होगी। तो लेवल्स हैं, एक और भी आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाइपर लूप वाले बन रहे थे ना, तो एक पूरा शहर मान लो, जैसे आप दिल्ली की बात कर लेते हो, तो दिल्ली का पूरा जो नेटवर्क होगा ना, उसमें मैं कहीं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मेरे को बहुत मन है मैं आपको ये थोड़ा बताऊँ आइडिया, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा तो तुम्हारा दिमाग में बात जाएगी नहीं। सो मान लीजिए ये है हमारा, तो ये जो ऊपर का एरिया आपको दिख रहा होगा ना अभी, ये पिंक वाला, ये दिल्ली का सरफेस है, मतलब पिंक एरिया के ऊपर पूरी दिल्ली है, ठीक है, और नीचे ये इसका पूरा बेस है, ठीक है, ये दिल्ली ज़मीन, ये पूरी ज़मीन है, इसके ऊपर ये पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है पूरा दिल्ली का शहर है। अब ये जो मैंने ब्लू ब्लू बनाया ना, ये पूरी ज़मीन है जिसके अंदर, इस ज़मीन के अंदर बेस में दे आर गोइंग टू क्रिएट पॉड्स, हाइपरलूप वाला सिस्टम था ना, ऐसे स्टेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है, वो स्टेशंस पूरे दिल्ली को कनेक्ट करेंगे। तो अंदर ना पाइप्स लगेंगी, पाइप्स के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वो लूप्स बनेंगे। तो एक लूप से, ठीक है, अगर हम देखते हैं लाइक एक लूप ये वाला हो गया, यहाँ से अगर इस कॉर्नर तक जाना होगा ना अभी राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ आपको टाइम लगता है मान लीजिए दो घंटे लग जाते हैं दिल्ली से एक दिल्ली के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने में। फ्यूचर के अंदर वो अंडरग्राउंड होगा, लूप होगा, आप यहाँ पर बस अपने घर से 100 से 200 मीटर का वो पॉइंट बनेगा,
आप उसमें बैठोगे, आप एड्रेस डालोगे, वो सीधा हाई स्पीड से लेके जाएगा आपको दूसरे एंड तक फ्यूचर में। यही चीज़ आपकी कम से कम नहीं तो 5 से 6 मिनट में आपको दिल्ली के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पहुँचा देगा। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी दैट इज़ बीइंग प्लान्ड अपॉन। ठीक है, तो ये हो रहा है, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, शायद 30 साल लग जाएँ, शायद 20 साल लग जाएँ आने में, बट दीज आर द थिंग्स जो कि शहरों में प्लान होंगे। कुछ एक छोटी सिटीज़ में प्लान की जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनको बड़ी सिटीज़ में डाला जाएगा। फिर ये जो मेट्रो चलती है ना अंडरग्राउंड टॉप वाली, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक होगा वो ऑलमोस्ट 70 से 80% गायब हो जाएगा, बसेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा करेगी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। इंडक्टिव चार्जेस के अंदर देखो, मैंने बताया स्टैटिक और स्टेशनरी चार्जिंग जो घरों पर होता है, ऑफिस में होता है। ठीक है, देन इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल डज नॉट मूव वाइल बीइंग चार्ज्ड, एक क्वासी डायनामिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होता है वाइल ट्रैवलिंग एट लो स्पीड। ठीक है, एक डायनामिक वाला होता है रोड्स एंड हाईवेज के ऊपर, ओनर चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कॉन्टीन्यूसली एज दे गो, जो मैंने बताया ना आपको डायनेमिक वाली चीज़ है। तो लंबे डिस्टेंस तक आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गाड़ी चलते हुए चार्ज हो रही है। सच ए ब्यूटीफुल थिंग, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फ़ायदा क्या होगा? अरे भाई, टाइम बहुत बचा, एफर्ट बचे, कन्वीनियंट हो गया, चार्जिंग केबल नहीं कैरी करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होगी, वेयर एंड टियर कम होगा, हर वेदर में चार्ज हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस एक्सपोज नहीं होंगे। ऐसा लगता नहीं कि बिजली वाली चीज़ है तो पानी में बारिश में ना भीगे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। CO2 एमिशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, है ना। ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि असिस्टिव एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस वाला सिस्टम जो है वो और बेहतर टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम ये महंगा बहुत पड़ेगा। एफिशिएंसी कितनी होगी? राइट नाउ तो देख रहे हैं लोअर एफिशिएंसी है, है ना, तो लॉन्गर चार्जिंग टाइम्स हैं, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको देखेंगे। ऐसा लगे कि 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में अगर पूरी कार चार्ज हो जाए तो मज़ा है। आजकल इफ़ यू सी टेस्ला कार के अंदर, उन्होंने कार के अंदर ना गेम लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जब गाड़ी आपकी चार्ज हो रही होती है, कभी रस्ते में आपको चार्ज करनी, तो आप क्या करोगे? बोर हो रहे हो तो आप गेम खेलो। इंटर ऑपरेबिलिटी के इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ कैसे लिंक करेगा, है ना, ट्रांसमीटर कैसा होगा, पैड कैसे डिज़ाइन होंगे, सड़क के साथ कैसे डिज़ाइन किए जाएंगे। तो फ्यूचर है इन चीज़ में। अगर आप देखोगे आपको कल को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होगा, तो दिस इज़ द फील्ड जहाँ बिज़नेस कर सकते हैं, है ना। और ड्यूरेबिलिटी कितने लंबे समय तक चलेगा, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, बाहर की कंडीशन, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, उसको साफ़ करते रहना पैड्स को। सेफ्टी के कंसर्न्स होने वाले हैं, भाई आपने नीचे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटिंग कॉइल लगा दिया, इंसान उसके ऊपर खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, यू सी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एडवांस्ड। लिविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पेट्स चलेंगे, एनिमल्स चलेंगे उसके ऊपर, है ना। फिर टेक्नोलॉजी के अपने खुद के कंसर्न्स भी होते हैं, सेंसर सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, कंट्रोलर होंगे या नहीं होंगे, रेगुलेशन कैसे होगा, कोई एरर आ जाएगा तो उस पर कैसे आप हैंडल करने वाले हो। तो व्हाट डू वी टू डू, हमें पूरे पे R&D इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ स्टडी हैज़ टू बी डन। तो फ्यूचर में अगर कोई स्टूडेंट साइंस एंड टेक लेगा तो उसको एडवांस लेवल की पढ़ाई देखने को मिलेगी। आप लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा है वो बहुत बेसिक साइंस पढ़ा होगा अभी, बट आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चा आज की डेट में, सी यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो दैट्स फॉर श्योर कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। बट व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन स्टूडेंट जो आज की डेट में 6th, 7th, 8th क्लास में, अरे आई रिमेंबर मेरी एक छोटी बहन है, मेरे चाचा जी की बेटी, वो स्कूल में पढ़ रही है, शी टोल्ड मी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रही है, शी इज़ इन 8th क्लास। तो बोली मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पढ़ रही हूँ। मैंने कहा तू 8th क्लास में है भाई, तुम लोगों को तो अपना वो सब नहीं देखना कि तुम्हें CA बनना है या तुम्हें इंजीनियरिंग। बोली पता नहीं, वो तो लेकिन हमको तो AI पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कमाल है यार, इट्स वेरी अमेजिंग। बहुत बेहतरीन होगा ये जानना कि मैकेनिज्म कैसे बनाया जाएगा, कि इस पर अभी डिटेक्ट करेगा ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो ये चार्जर तभी काम करेगा जब उस पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई मेटलिक गाड़ी वाड़ी खड़ी होगी तभी। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को भी काम करना होगा, ऑटो मेकर्स, टेक कंपनीज, लॉट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव टू कम टुगेदर अच्छे वायबल सॉल्यूशंस के लिए। भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का लैंडस्केप बनेगा वो बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है इन द फ्यूचर। टॉपिक नंबर 7.9 में हम लोग बात करेंगे AMR के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पहला मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रेवलेंस सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ किया गया हुआ था, और वो NCDC ने लॉन्च किया था। NCDC आपके प्रिलिम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, डिजीज़ आउटब्रेक्स वगैरह को लेकर के क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना, ऑल दिस थिंग्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स में ये कंट्रोलिंग का काम करता है। तो सर्वे में हम लोगों ने कुछ 15 स्टेट्स का असेसमेंट किया था, 2 यूनियन टेरेटरी, 2021 से अप्रैल 2022, कुछ महीने तक। तो कुछ फाइंडिंग्स मिली थी,
तो उसमें ये पता चला था कि एंटीबायोटिक का जो यूजेज हो रहा है ना वो 71.9% में हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मीन्स के कुछ पॉइंट्स हैं। देखो इस तरह के सर्वे में ना आप सारे पॉइंट नहीं लिख पाओगे, तो एटलीस्ट ये तो एक लिख ही लेना। ओके तो आई थिंक बाकी चीज़ें आई डोंट नो यू वॉन्ट टू स्टडी देम और नॉट। तो 20 जो इंस्टीट्यूट सर्वे किए गए तो उसमें से 8 के पास एक एंटीबायोटिक पॉलिसी थी भी, ठीक है। बट दिस इज़ समथिंग वन वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट जो आपके मेंस में काम आएगा। मूविंग अहेड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं नेशनली ग्लोबली, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, दिस टॉपिक आई एम नॉट रीडिंग हेयर, ठीक है। आप चाहे नए हो चाहे पुराने, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक, आसान भाषा में समझाऊंगा। आप डेली ब्रश करते हो, एक टूथपेस्ट आप यूज़ कर लो कॉलगेट वाला, आप डेली कॉलगेट से यूज़ करते रहोगे तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपके मुँह के अंदर जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो मरने लग जाएंगे। एक टाइम के बाद ना वो हैबिचुअल हो जाते हैं, वो म्यूटेट कर जाते हैं, वो रेजिस्टेंस बंद कर देते हैं, बेसिकली अब वो जीत जाते हैं। अब आप वही कॉलगेट यूज़ करोगे वही बैक्टीरिया आप ज़िंदा भी रहने लग जाएगा। आसान भाषा में ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कि एक टाइम के बाद ना उनको आदत पड़ जाती है। तो यू नीड टू चेंज द मेडिसिन फॉर टाइम। ये प्रॉब्लम है डिजीज़ के अंदर हमारे देश में, उन सब के लिए AMR के ऊपर काम करते हैं। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को माइंड मैप में पहले करवाया भी हुआ है। ये वाला माइंड मैप मैं अलग से डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से कुछ फाइंडिंग्स हैं, रीजंस क्या हैं AMR के, ठीक है। AMR भारत में कैसे चलता है, सारा डेटा इसमें अच्छे से सेग्रीगेट किया हुआ था। ये बहुत अच्छे से ग्लोबल एफर्ट, वे फॉरवर्ड, इम्पैक्ट, AMR होता क्या है, शॉर्ट कमिंग्स, रिलेटेड डेवलपमेंट, एवरीथिंग। ये मैं अलग से डाल दूंगा माइंड मैप वाला टॉपिक, इसको यहाँ से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एक ये और एक वो ट्रांस फैट वाला, ये साइंस एंड टेक में चलता है, मैं साल में 6 बार पढ़ा लेता हूँ ये वाले टॉपिक्स। तो इसलिए इसके बारे में कमेंट मत करना क्यों नहीं किया, एक टॉपिक में स्किप कर रहा हूँ। 7.10 FDCS, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स। CDSU ने ना कंपनीज को अलाउ कर दिया था कि वो 5 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थे जिनको बैन किया गया था उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम जानेंगे ये फिक्स डोज वाली चीज़ क्या होती है, पर पहले CDSU के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, ठीक है, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का हमारा 1940 का एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। इसमें जो पोजीशन होती है, जो हेड होते हैं, वो होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। तो कंट्री के अंदर ड्रग्स मेडिसिन का रेगुलेशन, उनके अप्रूवल पे काम करना है ना, उनकी कंसल्टेंट कमिटीज़ वगैरह पे काम करना। तो ये फिक्स डोज के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, तो हमारा एक जो रूल है ना, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का जो 1940 का एक्ट है हमारा, उस एक्ट के बाद 1945 में कुछ रूल्स बनाए थे, ठीक है। तो हम लोग जब बात करते हैं ना फिक्स डोज के कुछ कॉम्बिनेशंस की, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं, ठीक है। तो एक नई कॉम्बिनेशन का बनता है जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा ड्रग जिनका अप्रूवल मिल चुका है आप उनको एक रेशियो में मिक्स करते हो, तो क्या होता है कि जो ऑलरेडी अप्रूव्ड FDC होता है ना उसका रेशियो बिगड़ जाता है। जाहिर सी बात है FDC हर मेडिसिन के रेशियो अप्रूवल देता है कि इसको ये वाला मेडिसिन इतना, ये वाला मेडिसिन इतना यूज़ करना, इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए इतना, बट आप चीज़ों के कॉम्बिनेशन करते हो तो रेशियो बिगड़ जाता है, ठीक है। मोस्टली आप देखोगे कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह के, है ना, तो एंटी माइक्रोबियल, विटामिन, मिनरल वगैरह के इन्हीं के मिलते हैं फिक्स डोज के कॉम्बिनेशन। 2015 में 376 में से 24 जो एंटिटीज़ वगैरह थी ना वो नेशनल लिस्ट पर भी थी एसेंशियल मेडिसिन के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 344 कॉम्बिनेशन 2016 में बैन भी किए थे, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें से 5 ऐसे ड्रग्स हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर रहे हैं क्योंकि उसकी सेफ्टी और डेटा की एफिशिएंसी के ऊपर हमने काम किया था। तो एक एग्जांपल है, एक दवाई आती है एट्रिप्ला, तो उसमें एफावेनरेंस है ना, एम्ट्रीसिटाबाइन, टीनोफोविर DF, ये मिलाए जाते हैं, मिलकर के बनता है एट्रिप्ला। तो एक कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका एट्रिप्ला का कॉम्बिनेशन जाहिर सी बात अलग होगा क्योंकि देखो मान लो एफामेरेंस के अंदर एक कंपोनेंट था A+B+C, ठीक है। एमट्री वाले के अंदर मान लेते हैं C+D+E था, और मान लेते हैं टेनो वाले के अंदर था C+X+P। अब जब A-ट्रिपला बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या बन के आएगा, A आएगा, B आएगा, फिर C आएगा। C कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा C, ठीक है, फिर एक बार D आएगा, फिर एक बार X आएगा, और एक बार P आएगा। तो C इसमें 3 बार आ गया ना, तो रेशियो चेंज हो गया ना, तो कुछ प्रॉब्लम भी तो पहुंचा सकती है ना, नुकसान भी तो कर सकती है ना। कितना आसान भाषा में समझा दिया मैंने आपको यार, बताओ कमाल है ये टॉपिक भी। रेशनल, हम लोग इन कॉम्बिनेशन का यूज़ ही क्यों करते हैं, कभी कभी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, कुछ केसेस के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी इस तरह की चीज़ें अफोर्डेबल भी हो जाती हैं, पेशेंट के कंप्लायंस के लिए कभी कभी आसान होता है, उनको पिल्स कम लेनी पड़ती हैं,
है ना। कभी कभी ट्रीटमेंट्स का सिंप्लीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है, पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हर एक कंपोनेंट के अंदर कभी कभी वो सूटेबल नहीं भी होता पेशेंट के लिए, है ना। एक व्यक्ति को उसका एज, उसका वेट और बाकी फैक्टर्स के हिसाब से अलग अलग डोजेजेस दिए जाते हैं। ऐसी कुछ FTCs हैं जो अनअप्रूव्ड हैं और बैंड भी हैं। तो रिसेंटली अहमदाबाद में स्टडी भी की गई थी, उसमें पता चला था कि बहुत सारे FTCs जो कि बैन थे उनका इस्तेमाल हो रहा था। फिर इससे AMR भी बढ़ सकता है। अगेन AMR मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया, ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है, प्रॉब्लम आ रही है ना, प्राइस हायर हो जाते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के साथ। एथिकल कंसर्न, मेडिकल में हमेशा एथिकल कंसर्न रहेगा, कोई भी बायोलॉजिकल बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट होगा उसमें हमेशा एक एथिकल एंगल लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा कोई बायोटेक वाला जो क्वेश्चन होगा ना मेंस का, उसमें ऑलवेज राइट द एथिकल, ऑलवेज मेंशन एथिकल डायमेंशन। तो ये आपका मेंस के लिए मैंने एक हिंट लिख दिया है। मैंने आपको बता दिया एनोटेशन वाली PDF आपको अलग से चाहिए तो अलग से मिल जाएगी, तो उसमें ये सब बातें कुछ कुछ आपको याद रहेंगी जब आप रिवाइज करोगे। तो सभी पेशेंट्स को पसंद नहीं होता ये, है ना। इट्स मे नॉट ऑलवेज बी द मोस्ट सूटेबल फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स, कुछ की रिक्वायरमेंट होती है। अब करें क्या भाई, इसको तो रेगुलेशन करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, रेगुलरली मॉनिटरिंग गाइडलाइंस मजबूत करनी पड़ेंगी इसके अप्रूवल के लिए। फिर हमको जब आगे बढ़ना भी होगा तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसके साइंटिफिक एविडेंस हो इसके अप्रूवल के, इसके काम करने के, ऐसे टेस्टिंग हुई हो, ट्रायल्स किए गए हों। देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ही क्लियर थेरेपेटिक बेनिफिट्स होते हैं, तो उसका अप्रूवल मिलना चाहिए ताकि कोई भी अमलगमेशन ना हो। अमलगमेशन मतलब क्या हो गया, आसान भाषा में जानो तो बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई, या आसान भाषा में। फिर मॉनिटरिंग करने के लिए सर्वेलेंस सिस्टम बनाओ, है ना, पब्लिक सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब इंडिया से बाहर भी ये चीज़ जाती हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, इंडिया के खुद के रेगुलेशन और बाहर के दूसरी कंट्रीज़ के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अपनी एक इंपोर्ट पॉलिसी होती है, उसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री से किस तरह के ड्रग्स आए हैं। ट्रांसपेरेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, अफोर्डेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑल्सो, कीमत कितनी लगाई जा रही, कालाबाजारी तो नहीं हो रही है इस चीज़ की, लोगों को जागरूक किया जाए। अब आपको मैं सही मायने में बताऊं तो बिफोर अंडरलाइनिंग दिस टॉपिक आई हैड नो आइडिया कि FDC जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था भाई, क्योंकि हर इंसान को संसार का सब कुछ नहीं पता होता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी आप लोग हो, अनटिल और अनलेस आप मेडिकल फील्ड से हो, शायद किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि FDC नाम की कोई चीज़ भी होती है। सो प्रीलिम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण, विल स्टार्ट द न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन। और इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ स्काओ प्रोजेक्ट। स्काओ प्रोजेक्ट को इंडिया ने 2012 में ज्वाइन किया था, 2022 में हमारा जो नेशनल सेंटर है रेडियो एस्ट्रोनॉमी का, उसने स्काओ के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी पे काम करता है, हेडक्वार्टर्स इनके ब्रिटेन में है। 2029 तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। मेजर जो एम है वो है टू डिटेक्ट द बर्थ ऑफ यूनिवर्स और ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करना, गैलेक्सीज, डार्क मैटर, इन सबको समझना। इंडिया के भी काम आएगा, हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंटीनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ओसायरिस एपेक्स, ऑरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। तो नया मिशन है, रिसेंटली इसने एक जो एस्ट्रॉयड है बेनू वहाँ से एक सैंपल भी डिलीवर किया था। तो नासा का ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक एस्ट्रॉयड है एस टाइप वाला जो सिलिकेट मेटल का बना है, उसको ये स्टडी करेगा, एपोफिस को, जो कि अर्थ के काफ़ी करीब है, बस 20,000 माइल्स पर ही है। देन वी हैव पेरेग्राइन लूनर लैंडर, तो नासा का ये है, ये एक्सप्लोर करेगा मून का जो बे ऑफ स्टिकनेस है। बे ऑफ स्टिकनेस मतलब कि एक मून का ऐसा एरिया है जो कि वहाँ पर एक ओशन ऑफ स्टॉर्म्स है उसके पास में है। वी हैव स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये जापान का स्पेस क्राफ्ट है। एंड इसके बाद इंडिया, US, रशिया, चाइना के बाद जापान पाँचवा कंट्री हो जाएगा जो लूनर सरफेस के ऊपर अपनी सर्च स्टार्ट करेगा। GSAT-20 इंडिया जो SpaceX का फैल्कन 9 है उसको यूज़ करेगा 2024 में GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए। तो GSAT-20 KA band का सेटेलाइट है जो कि NSIL के द्वारा ऑन किया जाएगा, जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। एंड काफ़ी हैवी होने वाला है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होने वाले हैं। इससे पहले NSIL ने सक्सेसफुली पहला जो GSAT-24 था उसको भी लॉन्च किया था। तो ये डिमांड ड्रिवन मोड पे है, पहले जो चीज़ थी वो सप्लाई मोड के ऊपर थी। NSIL 2019 में शुरुआत की गई थी उसकी, इसरो का कमर्शियल आर्म है, इट्स अ CPSC डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो वी ऑल नो अबाउट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उन्होंने फीस्ट डेवलप किया था
इट्स अ कंप्यूटराइज्ड मेथड टू प्रिडिक्ट कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं। यस देन वी हैव दिस विक्रम भाई का जो सेंटर है ये केरला के तिरुवनंतपुरम में है और इसका मेजरली काम होता है कि इंडिया में जो भी इसरो के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उन पर काम करना। देन वी हैव किलोनोवा एक्सप्लोजन। तो किलोनोवा एक्सप्लोजन एक ब्राइट ब्लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जब दो न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार और एक मास ब्लैक होल जो होता है आपस में कोलाइड करते हैं उस टाइम पर ये होता है। कैमेलियन ट्रोजन। तो कैमेलियन ट्रोजन में ट्रोजन बेसिकली क्या करता है ना, अपने आप को हाइड कर लेता है, काइंड ऑफ एक डिटेक्टिव एक करप्ट सी फाइल होती है जो अपने आप को हाइड करके आपके पीसी में एंटर कर सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी ने बताया था कि रिसेंटली एक नए मालवेयर के बारे में, तो वो खुद को ना दूसरी एंड्रॉयड की ऐप्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है और पीछे बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम जो मतलब जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया गया होगा वो रन करना स्टार्ट कर देता है डायरेक्ट टू सेल। तो स्पेसएक्स आप लोगों को पता है अमेरिकन कंपनी है एलन मस्क की, वो लॉन्च करेंगे पहला स्टारलिंक सैटेलाइट्स। स्टारलिंक सैटेलाइट्स क्या होंगे, ये एक तरीके का ना इंटरनेट कनेक्शन बनाया जा रहा है, चाहे यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ क्या, ठीक है। तो अभी जो हमारा करंट जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो किस पर बेस्ड है, मतलब हमारे पास सिग्नल्स आते रहते हैं है ना, फ़ोन के कनेक्शन होते हैं, फाइबर कनेक्शन होते हैं, टावर्स लगे होते हैं, बट ये जो डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज़ वाला होगा ना तो इसमें बेसिकली क्या करेगा, ये सेलफोन टावर की तरह ही काम करेगा लेकिन ये सैटेलाइट होगी। अब आपके कनेक्शन सैटेलाइट से डायरेक्टली आया करेंगे, ठीक है। तो स्टारलिंक पहला डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी स्टार्ट करेगा जिससे आप अपने स्मार्टफोन को कहीं पर भी ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर सकते हो अर्थ पे। अभी जो कनेक्टिविटी होती है ना वो आसपास में जो नेटवर्क के टावर लगे होते हैं उनसे होती है, बाद में फिर वो डायरेक्टली सैटेलाइट से हो जाया करेगा। आईओटी क्या है, वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक बिल्कुल रिसेंटली। अभी फार्मा के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके कुछ रूल्स को गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिवाइज़ किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, तो इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिसेस है ना उनको बेटर करने के लिए 1945 के जो रूल्स थे उनको रिवाइज़ किया गया था एंड अब इनको बोला जाएगा ड्रग्स अमेंडमेंट रूल 2023। तो उसमें कुछ नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं है ना, और पहले जो मैन्युफैक्चरर वगैरह थे उसके इंप्लीमेंटेशन का जो टाइम पीरियड था उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स, जस्ट रिमेंबर कि ये कौन सा एक्ट होता है जिसके तहत ही किया जाता है। GMP क्या होता है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, भारत के अंदर ही 1988 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1945 का जो हमारा एक्ट था उस एक्ट के साथ में, ताकि WHO के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के खास करके फार्मास्यूटिकल्स में उनके साथ हम मैच कर सकें। नेक्स्ट इज हैवी श्योर। इंडिया ने हेपेटाइटिस ए की एक वैक्सीन बना ली है और इसको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी है। हेपेटाइटिस में हमारा जो लीवर होता है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे वायरस वगैरह हो सकते हैं। 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है यहाँ पर, हेपेटाइटिस ABCDE, दिस इज़ फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में ना साइंस एंड टेक में एक सेक्शन आता है डिजीज़ वगैरह को लेकर के, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन है या नहीं है, ऑल दिस थिंग्स इट इज़ आस्क्ड इन एग्ज़ाम। तो जो ई होता है उसके लिए भी है वैक्सीन, सी के लिए भी है वैक्सीन है ना, सॉरी डी के लिए भी है वैक्सीन, सी के लिए देर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल, उसमें एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं, बी के लिए भी है वैक्सीन, ए के लिए भी है वैक्सीन। तो ये मेन स्ट्रेन्स होते हैं हेपेटाइटिस वायरस के ABCDE। कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं हेपेटाइटिस के लिए, 2030 तक का हमारा एक प्रोग्राम है कि इंडिया में हमें हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करना था। मिशन इंद्रधनुष जो था उसमें वैक्सीनेशन थी और 7 इन्फेक्शन को लेकर के 28 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट 2.0, आयुर्वेदा की जो टीचिंग, जो लोग आयुर्वेदा सिखाना चाहते हैं ना उनके लिए, तो CCRAS और NCISM इन दोनों ने मिलकर के स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया था। तो इसमें कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ की जाएंगी ताकि आयुर्वेदा के ऊपर काम करने के लिए। तो अभी इसमें ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि आयुर्वेदा में जो भी चीज़ें मैंशनड हैं वो काम तो करती हैं बट उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लाइक प्रूफ या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया उसके लंबे समय की टेस्टिंग। तो गवर्नमेंट सोच रही थी कि ताकि इसकी एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ हो जाए उसके लिए हमको इसमें वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास उसके साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में पैरेलली अवेलेबल हो, तो इसका प्रमोट कर पाना और इजी हो जाएगा। अभी भी हो रहा है बट उसको और इजी करना चाह रहे हैं। WHO ने कुछ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, डिजीज़ 11, तो ICD-11 बोलते हैं इसको। तो उसमें उन्होंने एक नया मॉड्यूल 2 इंट्रोड्यूस किया था, उसमें उन्होंने ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती है ना जो आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी उनके ऊपर उन्होंने एक अलग से चैप्टर इंक्लूड किया है। तो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें आप किसी भी तरह की
मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, डेथ वगैरह के बारे में, सिकनेस के बारे में रिपोर्टिंग करते हो, एनालिसिस वगैरह मेंशन करते हो। तो ICD-11 जो था ये जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें लिस्ट होती है किस किस तरह के डायग्नोसिस वगैरह किए जा सकते हैं, किस किस ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्या कुछ कंडीशंस बनते हैं। इंडिया ने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मेंस का टॉपिक है आपका, ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला। वी हैव नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी स्टैंडर्डाइजेशन टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल। नमस्ते। जो वर्ड मॉर्बिडिटी होता है, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस, और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। देन वी हैव AHIMS, आयुष हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। WHO की रिपोर्ट आई थी ऑन टबैको यूज़, तो वर्ल्ड में सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और टोटल 1.25 बिलियन यूज़र्स हैं टबैको के, एंड मेजरली इंडिया में गुजरात, आंध्र प्रदेश, UP से आता है। इसकी क्वालिटी है कि ड्राउट टॉलरेंट होता है, सूखे में भी हो जाता है ना, काफ़ी हार्डी और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। जहाँ पर दूसरी क्रॉप्स ना हो सकती, वहाँ पर भी टबैको हो सकता है। इंडिया में हम लोगों ने टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बैन किए हैं, हम लोगों ने पिछले मैगजीन में पढ़ा था, पिछले मंथ की में। ग्लोबली WHO का फ्रेमवर्क भी था, कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, इंडिया ने 2004 में इसको रेटिफाई किया था। एम्पावर करके कुछ मेजर्स हैं, मॉनिटर, पहले निगरानी रखो, फिर लोगों को बचाओ, फिर मदद ऑफर करो, लोगों को चेतावनी भी दो, एंड जब नियमों को लागू भी करो और उस पर टैक्स भी लगा सकते हो। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। एक डिजीज़ एक्स करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सेशन किया था नोवेल डिजीज़ एक्स पर। तो डिजीज़ एक्स का जो कॉन्सेप्ट था 2018 में आया था, कि किसी अननोन पैथोजन के बारे में जो कि इंटरनेशनली एक एपिडेमिक बन सकता है। बायो इमेजिंग बैंक। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह ना, AI की मदद से कुछ कैंसर स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि टाइम से पहले हम लोगों को कैंसर का डिटेक्शन के बारे में पता चल जाए। तो मुंबई का जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है ना, उन्होंने एक बायो इमेजिंग बैंक सेटअप किया था। तो इसमें रिपोजिटरी है, बल्कि डेटा होता है बहुत सारा, उसको इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक किया जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, टेस्टिंग होती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू वर्क। लेप्रोसी के लिए वी हैव दिस न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नया ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी लेप्रोसी पर। तो लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसमें एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है, जिसके कारण वो फैलती है स्किन के ऊपर, नर्व्स पर, है ना। तो म्यूकस आ जाएगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आँखों में, और अगर आपके नोज़ से या माउथ से कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं तो ये फैल जाता है। इसके लिए एक मल्टी ड्रग थेरेपी लगती है, एंड दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, पॉकी बैक्लेरी केसेस और मल्टी बैक्लेरी केसेस। तो अलग अलग तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। अभी जो नया ट्रीटमेंट अनाउंस किया गया था, उसमें एक 3 ड्रग का रेजिमन है पॉसी बैसिलरी केस का, और इसके अलावा भी 2023-27 का हमारा एक प्लान है लेप्रोसी को ख़त्म करने का, है ना, जीरो ट्रांसमिशन हो इसका। द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इंडिया के अंदर हम लोगों ने इसका एलिमिनेशन अचीव किया था एज ए पब्लिक हेल्थ, है ना, बट जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंगली WHO का क्राइटेरिया कि लेस देन 1 केस अगर आता है नेशनल लेवल पर, तो 2005 में हमारा वो तो आ गया था। वी हैव दिस बबल बेबी सिंड्रोम। तो रिसेंटली एक 2 महीने की बच्ची को बबल बेबी सिंड्रोम हुआ था। तो वो यंगेस्ट थी जिसको बोन मैरो का ट्रांसप्लांट दिया गया था। तो ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह काम करता है इम्यून सिस्टम पर। स्टील स्लैग की रोड टेक्नोलॉजी। तो JSW स्टील ने एक 1 किलोमीटर लंबा स्टील का रोड बनाया था मुंबई गोवा वाला। इससे पहले जो BRO था उसने एक स्टील स्लैग रोड बनाया था अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा जो क्लीन इंडिया कैंपेन है और जो वेस्ट टू वेल्थ कैंपेन है, उसमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो स्लैग जो होता है वो स्टील के फर्नेस से ही निकलता है, है ना। तो जब हम मोल्टन फ्लक्स को उसकी इम्प्योरिटी में बर्न करते हैं, तो ये नॉन मेटेलिक होता है, मेटल नहीं होता है इसके अंदर, थोड़ा ग्लास जैसा होता है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। पॉइंट ये होता है कि 30% तक सस्ता पड़ता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा ड्यूरेबल है, अवेलेबल भी ज़्यादा रहता है, और ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करता है, रोड कंस्ट्रक्शन के भी ग्रीनर अप्रोच है उसमें मदद करता है। हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमको 2030 तक अचीव करने हैं, उसमें से 9th जो गोल होता है उसमें हम लोगों को स्टील स्लैग बहुत मदद करता है। इसके अलावा भी दूसरे इको फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, है ना, प्रीलिम्स में मिल जाएगा आपको, कॉपर स्लैग आई थिंक ये भी आपका प्रीलिम्स में आ चुका है, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्निक्स हैं सड़कों को और ज़्यादा सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। लास्ट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक है अनिल। एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द एनरिच्ड लाइफ। अमेरिकन कंपनी, उन्होंने एक फ्यूल बनाया है, तो इसमें उन्होंने थोरियम और यूरेनियम को मिलाया था, और उन्होंने इसको नाम दिया High-Assay Low-Enriched Uranium। तो इससे जो न्यूक्लियर वेस्ट होगा ना, वो कंपैरेटिवली कम होगा, और जो हमारे पहले वाले जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स थे उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर साइंस एंड टेक न्यूज़।
अब हमारा कल्चर वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। मिताक्षरा लॉ, ये आप लोगों ने सुन लिया होगा, जिन्होंने PYQ सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया था कि एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन विच आर बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस आर लेजिटिमेट फॉर द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट रिकॉग्नाइज करता है मिताक्षरा लॉ को। ठीक है, भारतीय कानूनी जो विद्यालय थे उसमें ना दो मेजर स्कूल चलते थे, एक था मिताक्षरा, दूसरा था दयाभागा। तो 12th सेंचुरी में विजननेश्वरा के द्वारा यज्ञवालक की स्मृति लिखी गई थी, उसके बेसिस के ऊपर ही बनाया गया था। तो इस स्कूल के हिसाब से ना वुमेन कुड नेवर बिकम अ कॉपरसनर, कॉपरसनर मतलब जिसका शेयर में कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो ये इस स्कूल का एक आइडिया था। तो ये भारत में मोस्टली जगह प्रेवलेंट है, भारत के कुछ जो पूर्वी क्षेत्र हैं ईस्टर्न पार्ट्स, वहाँ पर दयाभाग स्कूल फॉलो होता है। फिर मिताक्षरा के अंदर द्रविड़ स्कूल, महाराष्ट्र, बनारसी, मिथिला, पंजाब भी आते हैं। दयाभाग जो है वो भी यज्ञवाल्क्य की स्मृति से ही आता है, इसको लिखा था जिमुतवाहना के द्वारा। इसमें कहते हैं कि जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस होगा वो स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए होता है, जिसे हम पिंड ऑफरिंग भी कहते हैं, पिंड दान। ये बंगाल में, असम में फॉलो किया जाता है, इसका कोई सब स्कूल नहीं है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, मिताक्षरा एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, दयाभाग एक रिफॉर्मिस्ट है। मिताक्षरा के हिसाब से जो बेटा होगा वो अपने जैसे ही बेटे का जन्म होता है उसी से मान लेते हैं कि उसका अपने पिता की सारी ज़मीन जायदाद पर उसका अधिकार बनता है। दयाभाग के हिसाब से जब तक उस बच्चे के पिता की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो अपने पिता की ज़मीन जायदाद का अधिकारी नहीं होता। ये एक मेजर सा डिफरेंस है। तो सिंपल टॉपिक था, ईजी था, समझ में आ गया। एक टॉपिक और था, उसे बोलते हैं सपिंड मैरिजेस। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो सपिंड मैरिजेस होती है ना, इनको बैन किया हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। सपिंड मैरिज के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आप अपनी मदर साइड के 3 जनरेशन से और फादर साइड की 5 जनरेशन से अगर कोई कनेक्शन बनता है तो वो शादी नहीं कर सकते। ये कुछ गोत्र के हिसाब से बनाया गया था। एंड अगर एक का लीनियल असेंडेंट होता है दूसरे का तो उसको सपिंद रिलेशनशिप में माना जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा घर बार वगैरह में, नॉट समथिंग वेरी अननोन और न्यू, इट्स वेरी कॉमन। तो बस दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बात बताई थी कि भाई हिंदू मैरिजेज एक्ट के तहत जो प्रोहिबिशन है ना सपिंद मैरिज का, वो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो इट वॉज़ अ स्मॉल टॉपिक मिताक्षरा लॉ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ वी हैव द न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ कल्चर सेक्शन। कुछ GI टैग्स थे 17 प्रोडक्ट्स के, ओडिशा में ये प्रोडक्ट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश के ये हैं, वेस्ट बंगाल के ये, जम्मू कश्मीर, गुजरात के। अभी इनके नाम भी मत पढ़ना, जस्ट बिफोर लाइक 5 डेज बिफोर एग्ज़ाम। तो कल्चर की जो PT 365 आएगी उसमें सबकी एक लिस्ट बन के आएगी, उसी को पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, और उस टाइम पर दूसरी चीज़ें भी याद रखनी होती हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लेना हल्का सा, लाइक गिव देम 5 to 10 मिनट्स, फिर कुछ क्लिक हो गया उस टाइम पर एग्जाम में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी GI टैग मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 10 साल के लिए मिलता है, और ये होता है कि कोई एक आइटम एक पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करती है, तो कोई भी थर्ड पार्टी अगर उसको गलत तरीके से यूज़ करेगी, मिसयूज़ करेगी, तो उसको रोका जा सकता है। तो इट्स मोर अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन टू द ऑथेंटिसिटी। देन वी हैव श्री वीरभद्र टेम्पल, और इसको लिपाक्षी मंदिर भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं, एक मोनोलिथिक नंदी भी है। मोनोलिथिक का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, लिथिक मतलब पत्थर, एक ही पत्थर को पूरा तराश करके उससे नंदी को बनाया गया था। अक्सर बहुत सारी जो मूर्तियाँ होती हैं वो 2-3 पत्थरों को जोड़ के बनाई जाती हैं। तो नाग शिवलिंग भी है, और ये जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं इसमें रामायण महाभारत के बहुत सारे आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। तो ये यूनेस्को की जो टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है वहाँ पर भी प्लेस्ड है। गुरुवायूर टेम्पल जो है इसको हम लोग, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है ये, साउथ को द्वारका माना जाता है, और कहते हैं कि सुबह सूर्य की किरणें सबसे पहले विष्णु जी के चरणों में यहाँ पर गिरती हैं, और एलिफेंट फेस्टिवल के लिए बहुत पॉपुलर है। 1931 का जो सत्याग्रह था वो यहाँ पर केलप्पन के अंडर हुआ था, केरला गांधी बोलते हैं। इसी के बाद जो त्रावणकोर की टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन हुई थी वो भी स्टार्ट हुई थी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री कलाराम मंदिर प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली विजिट किया था, महाराष्ट्र का जो गोदावरी है नासिक वहाँ पर। तो 1780 में बनाया गया था सरदार रंगराव ओधेकर के द्वारा, इसका नाम आता है जो ब्लैक स्टैचू है ना लॉर्ड राम की, वहाँ से।
एंड जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने डिमांड की थी ना टेम्पल एंट्री के दलित्स के लिए, उसकी एजिटेशन को ये दर्शाता है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तो ये थिरुरवंग तिरुपति जो है उनके लिए माना जाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, ओनली द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था। ये स्टाइल होती है द्रविडियन स्टाइल, नागर स्टाइल, तो ये तो आप लोग पढ़ते हैं कल्चर के स्टैटिक के अंदर। वादनगर, तो रिसेंटली IIT खड़गपुर ने एक स्टडी की थी, उनको ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस मिले थे गुजरात के वादनगर में, जो कि 800 BCE के हैं। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में, टेंटेटिव मतलब अभी उसको माना अज्यूम किया जा रहा है कि उस पर काम करेंगे, है ना, इट्स इन द प्रोसेस, इट्स इन द प्रपोजल, बट ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर हथकेश्वर टेम्पल है और शर्मिस्था लेक भी है। पुंगनूर काउज जो हैं ये काफ़ी रेयर ब्रीड होता है, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल मानी जाती है और ये 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल ही होती है, और इनका मिल्क की क्वालिटी काफ़ी हाई होती है, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, ड्राउट रेजिस्टेंस भी होती हैं। तो और भी कुछ पॉपुलर कैटल्स हैं, है ना, जो भारत में पाई जाती हैं, साहिवाल पंजाब राजस्थान में बहुत पॉपुलर मिलती है, रेड सिंधी गाय, गिर गाय गुजरात की, देवनी होती है, थरपरकर, ओंगोले, कंकरेज, मालवी, है ना, हालीकर, तो अलग अलग ब्रीड्स हैं काऊ की भारत में जो पाई जाती हैं। वर्ली ट्राइब जो हैं, तो रिसेंटली इनका एक एग्ज़ाम्पल मिला था कि हाउ दे आर पीसफुली कोएग्जिस्टिंग विद लेपर्ड्स। तेंदुआ जो होता है उनके साथ ये ट्राइब आसपास उनके पाई जाती हैं, महाराष्ट्र का संजय गांधी नेशनल पार्क में, और ये लोग तेंदुआ को वघोबा मान करके डीटी के रूप में, देवता के रूप में पूजन भी करते हैं। महाराष्ट्र की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, इनकी वर्ली वॉल पेंटिंग्स भी पाई जाती हैं। ब्रू ट्राइब जो है, तो रिसेंटली त्रिपुरा में इनका लास्ट पैच जो था वो प्रॉपरली सेटल हो गया था। ये PVTG है मिज़ोरम और असम के अंदर, जो तिब्बतो बर्मन फैमिली वहाँ से बिलोंग करते हैं, झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं और होजागिरी डांस भी करते हैं। मादिका लैंग्वेज जो है, करंटली सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो भाषा बोलते हैं, और ये भाषा एकदम एक्सटिंक्ट होने वाली है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और ये चाकलिया कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। ये हवेका कन्नड़ के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, इसमें तेलुगू, तुल्लू, कन्नड़ और मलयालम का मिक्स होता है। तो एंडेंजर्ड लैंग्वेज के लिए गवर्नमेंट का स्पेल करके एक प्रोग्राम था और सेंटर्स बनाए गए थे ऐसी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग नोटिफाई किया था, तो उन्होंने पोयला बोसाख को स्टेट डे माना था और बांग्लार माटी बांग्लार जल इसको स्टेट सॉन्ग बनाया था। तो जो बैसाख का जो महीना होता है बंगाली कैलेंडर में, उसका जो पहला दिन होगा वो बांग्ला दिवस मनाया जाएगा, और ये जो गाना था बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। एक स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को विजयवाड़ा में, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर अनवील किया गया था। ये 206 फुट की ब्रॉन्ज स्टैचू है अंबेडकर जी की। इसके अलावा भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में सरदार पटेल जी की, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है रामानुज जी की जो कि तेलंगाना में, स्टैचू ऑफ बिलीफ है लॉर्ड शिवा की राजस्थान में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने दिए थे, एंड मतलब उन्होंने कहा था कि नॉमिनेशंस के बारे में बात की थी, अभी दिए जाएंगे ये। इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। एक्सेप्शन केस में पॉस्थमस मतलब आफ्टर द डेथ मिलते हैं, अदरवाइज जो व्यक्ति होता है प्रेजेंट उसी को दिए जाते हैं। 2023 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से, तो इसमें 6 कोर अवार्ड होते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो दोनों डिफरेंट है, ये कॉमन नहीं है, ध्यान रखना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है, ये किसी स्पोर्टिंग ऑनर के लिए मिलता है। देन वी हैव मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम, देन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो कॉरपोरेट्स वगैरह को, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, ये तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने। देन वी हैव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये प्रेसिडेंट ने रिसेंटली 19 बच्चों को दिया था फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने फैसिलिटेट किया था। तो 5 से 18 साल के कोई बच्चे जिसने कोई ब्रेवरी का काम किया हो आर्ट एंड कल्चर में, एनवायरनमेंट में, उनको दिया जाता है, और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में थे उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया था, और ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। 23 जनवरी को ये अनाउंस होता है पराक्रम दिवस पर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है। यहाँ पर हमारे कल्चर सेक्शन की न्यूज़ इन शॉर्ट होते हैं फिनिश। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, स्कीम्स इन न्यूज़, सुकन्या समृद्धि योजना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इनका जो इंटरेस्ट रेट था ना,
उसको इंक्रीज़ कर दिया था 8% से 8.2। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक स्कीम निकाली थी, स्मॉल डिपॉजिट स्कीम, जो कि एक छोटी जो बच्ची होती है जिस मतलब लड़की के लिए 2015 में आई थी, तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला था ना उस टाइम पर थी। तो आपके नाम पर ना पोस्ट ऑफिस में या फिर जो कमर्शियल बैंक की कुछ ब्रांच होंगी वहाँ पर एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जनरली क्या था ना कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जाएगी उस बच्ची के नाम पर, जो वो फ्यूचर में अपनी एजुकेशन और मैरिज के एक्सपेंसेस में यूज़ कर सकती हैं। मैक्सिमम एक फैमिली में दो लड़कियों के लिए हो सकता है और उसका अकाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो कंपाउंड हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई होगा। 21 साल की उम्र के बाद जो ना दे कैन यूज़ इट, और मे बी इट्स ऑन देयर मैरिज दे कैन यूज़ इट, जो भी जल्दी होता है। प्रीमेच्योर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उससे पहले भी अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। प्रीमेच्योर विड्रॉल भी हो सकता है। 18 साल की उम्र पर वो 50% तक का इसमें पैसा निकाल सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। अगर आप देखोगे 8.2% इज़ क्वाइट गुड, वरना जनरली क्या मिलता है 6 के आसपास मिलता है, 5-6। तो कम से कम आपको 250 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये पर साल डिपॉजिट कर सकते हो, है ना। एंड एलिजिबिलिटी होती है, कोई भी लड़की जिसकी उम्र 10 साल से कम होती है उसके लिए इस स्कीम के अंदर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर हमारी ये वीडियो का सारे सेक्शंस होते हैं ख़त्म। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि PT 365 हम लोग जूम लाइब्रेरी पर ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हम लोगों ने अभी तक हमेशा ऐसे ही किया है, पहले भी जब कंप्लीट किए थे टाइम स्लॉट सेट करके पढ़ाई करते हैं और बहुत जल्दी कवर होता है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको खुद पढ़ना है। कोई भी पेड लेक्चर वगैरह मत परचेज़ करना इस टाइम पर। रीज़न ये होता है कि अगर आपको ना इमोशनली और ईगोइस्टिक लेवल पर ना एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, अरे वीडियो मैंने देख ली 3 घंटे की, हो गया, नो। बट राइट नाउ इट्स टाइम कि आप खुद PDF को पढ़ो और एक शॉर्ट टाइम में पढ़ो। यू नो दिस फार्मूला इज़ गिवन बाय वेरी पॉपुलर एंटरप्रेन्योर एलन मस्क। उन्होंने कहा था कि कोई भी काम को अगर सबसे अच्छा करना हो ना, तो मान लो कोई काम 5 साल का है, आप एक टारगेट सेट कर लो 5 साल में करना है। आफ्टर द सेटिंग द टारगेट ना प्लान करो कि इसको आप 2.5 ईयर्स में कैसे कर सकते हो आप। इन अ सिमिलर वे फॉर PT 365, इफ़ यू आर कीपिंग 10 डेज ना, देन फिगर आउट कि आप 10 डेज की जगह इस काम को 5 दिन में कैसे करोगे। तो वो ना पूरे ग्रुप के साथ बैठ के हो जाएगा जूम लाइब्रेरी पर। इट विल बी वेरी इजी टू डू दैट। हम लोग टाइम सेट करके बैठेंगे, हर मैगजीन में 2 से 3 दिन मैक्सिमम देंगे, हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ के शाम को रात को 8 से 9 बजे स्टार्ट करेंगे। दिन भर आप अपने बाकी काम निपटाओ, रात को PT 365 ख़त्म करो एंड देन स्लीप। और मैंने बताया कि इस बार PDF में जो मैंने एनोटेशंस यूज़ किए थे रेड पेन से, अलग अलग जगह कुछ लिखा है, ये वाली PDF आपको पर्सनली मुझसे लेनी पड़ेगी, है ना। बाकी जो नॉर्मल हाईलाइट वाली होती है वो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सून विल बी अनाउंसिंग अनदर मेडिटेशन सेशन, तो उसके लिए यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहीं पर आएगी। 2 से 3 दिन का ही नोटिस रहेगा, उसी में आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जब आएगी तब आपको टेलीग्राम चैनल से ही पता चलेगी। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।